अमेरिका के पास सुपरमैन है बैटमैन है स्पाइडरमैन है लेकिन इंडिया के पास बैटमैन है हॉस्पिटल के सामने खड़े हो होकर फूफू कर रहे बीबी बीमार है अंदर है क्या हुआ भाभी को वही औरतों वाली बीमारी और खर्चा इतना तो सिगरेट कितने की है दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या मौत रहा है ये मौत इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकती और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी पीरी की सोच अभास। हीरो ये पीने में नहीं है, ये देने में पीरियड्स आना और मेन्ट्रोअल साइकिल आज भी समाज में महिलाओं के लिए शर्म की बात है खासकर तब जब बात मध्यम और गरीब परिवारों की हो वहाँ शर्म ही धर्म है लड़की के बड़े होने पर धूमधाम से उसका स्वागत तो किया जाता है लेकिन जैसे ही वो पाँच दिन आते हैं लड़की अछूत हो जाती है और घर के किसी कोने में ढकेल दी जाती है लड़कियाँ वो भी स्वीकार कर ले तो भी शर्म के नाम पर उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है जिस समय लड़कियों को सबसे ज्यादा केयर और साफ सफाई की आवश्यकता होती है उन्हें गंदगी में रहने को कहा जाता है लड़कियों और महिलाओं को इस गंदगी की वजह और उन दिनों की दुश्वारियों में किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है कुछ ऐसे ही कहानी कहने की कोशिश कर रही है पैडमैन फिल्म के कई सीन और कई डायलॉग झकझोरते हैं फिल्म में समाज की कुरीतियों को शर्म को संवेदना को भर भर कर दिखाया गया है पीरियड्स को गंदी सोच कहने वालों की सोच शायद फिल्म को देख बदल सके महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली सरकार शायद महिला की पहली सबसे बड़ी जरूरत सैनिटरी पैड पर जीएसटी हटाए उसे सस्ता करने के लिए कुछ कदम उठाए कि हर गरीब महिला उन दिनों में साफ सफाई का ध्यान रखे और खुद को भी कई तरह की होने वाली बीमारियों से बचा सके जब सिनेमा की परिकल्पना की गई तो उसका एक मकसद समाज में मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता फैलाना था लेकिन फिल्म उद्योग पर मनोरंजन और कॉमर्स इतना हावी हुआ है कि मकसद पीछे रह गया पैडमैन आज की जरूरत की फिल्म है जिसे परिवार के साथ देखना चाहिए परिवार के साथ अगर हिचकिचाहट हो रही हो तो लड़कों को समूह में जाकर इस फिल्म को देखना चाहिए जैसे दसवीं की बायोलॉजी की किताब के पिछले पन्ने को पढ़ते हैं समाज को खासकर महिलाओं को यह समझना होगा कि हर महीने आने वाला मिन्ट्रोल साइकिल महिला वाली बात या कोई शर्म की बात नहीं है सैनिटरी पैड खरीदने जाने के दौरान सरमाने घबराने या फिर पन्नी में रखने की जरूरत नहीं है महावारी मिनट्रल साइकिल एक सच्चाई है जिसे हर किसी को जानना ही चाहिए महावारी और महिला को ध्यान में रखकर आर बल्की ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है सब्जेक्ट नया और समाज को जागरूक करने वाला है अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की एक्टिंग रियल लगती है फिल्म शुरुआत से ही कसी हुई है वह अपनी पत्नी और औरतों वाली बात यानी महावारी के दौरान गंदे कपड़े और राग के उपयोग के लिए की जाने वाली बात जानकर इतना विचलित हो जाता है कि वो खुद सेनेटरी पैड बनाने की ठान लेता है कहानी सोलह साल पहले की है जब अपर क्लास की महिलाएं भी टेलीविजन पर पैड का विज्ञापन आने पर इधर उधर देखा करती थी और पुरुष बातों में लग जाया करते थे उस दौर में अरुला स्लम गुरु ग्रंथर्म की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पैडमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मिंट्रोल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार को गायत्री ने राधिका आपटे से शादी करने के बाद पता चलता है कि महावारी के दौरान उसकी पत्नी पाँच दिनों तक न केवल घर के बाहर रहती है बल्कि साफ सफाई की जगह गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है वह उसकी समस्याओं को खत्म करने के लिए खोज करना शुरू करता है और सैनिटरी पैड लेकर आता है राधिका अपने महंगा पैड देख कर बौखला जाती है और इसे औरत के लिए शर्म की बात कहकर मानती है लक्ष्मी को डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों में महिलाएं गंदे कपड़े राग छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा बीमारियों और खतरनाक रोगों की शिकार होती हैं कई महिलाएं तो बांझ तक हो जाती हैं फिर वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के साथ साथ समाज से भी दुकारा जाता है गांव वाले और समाज वाले उसे एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सीनेटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एमबीए स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है समाज को अलग हटकर फिल्म देने वाले आर बल्कि ने महिलाओं के मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर बाल की भावनाओं में बहते नजर आए हैं एक बात जो फिल्म देखने के दौरान समझ नहीं आती कि बल्कि ने फिल्म के लिए मध्य प्रदेश को क्यों चुना है अगर वो साउथ के बैकग्राउंड पर भी बनाई जाती तो उसका मर्म उतना ही रहता फिल्म में सोनम कपूर और राधिका आप्टे की एक्टिंग भी बहुत रियल है अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू हैं उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है अमित त्रिवेदी के संगीत में पैडमैन पैडमैन हो बहू आज से मेरा हो गए जैसे गाने फिल्म की रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे सीनेटरी और पेड और पीरियड जैसे मुद्दे पर तो लोग बात तक नहीं करना चाहते अब तक हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक किसी भी बड़े स्टार ने इस विषय पर फिल्म बनाने की बात सोची तक नहीं लेकिन ये हिम्मत अक्षय कुमार ने दिखाई एक बड़े स्टार के लिए ऐसा विषय चुनना बहुत मुश्किल है जिसका नाम लेते ही लोग नज़रें चुराने लगते हैं जब लोग देखेंगे और सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे लेकिन इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार अपनी बात दर्शकों तक आसान भाषा में पहुँचाने में कामयाब रहे हैं पिछले साल इसी विषय पर फुल्लू फिल्म आई थी लेकिन शायद ही आपने उसके बारे में सुना भी होगा पैडमैन आने से पहले इसे लेकर दो डर थे पहला कि कहीं ये बहुत फिल्मी ना हो जाए और दूसरा कि कहीं इसे डॉक्यूमेंट्री जैसी ना बना दे लेकिन फिल्म देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये फिल्म गेम चेंजर भी साबित होने वाली है क्योंकि इसके बाद पीरियड और सीनेटरी पैड जैसे शब्दों को लेकर लोगों की राय बदलने वाली है ये फिल्म तमिलनाडु के रहने वाले गुरु गुरुगथनम के ऊपर बनी है जिन्होंने सनेटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था इनकी कहानी को अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब में लिखी इसके बाद इस पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें राजी किया ये फिल्म मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड में बनी है इसमें साल 2001 के दौरान की कहानी दिखाई गई है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार अपनी पत्नी से बेानतहा मोहब्बत करता है लोग प्यार से उससे लक्ष्मी बुलाते हैं जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी गायत्री यानी राधिका आप्टे अपने पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है तब वह इस बात को लेकर परेशान हो जाता है गंदगी से कई बड़ी बीमारियां फैलती हैं और उसे इस बात की फिक्र है कि गायत्री को कुछ हो ना जाए फिर लक्ष्मी गायत्री को सैनिटरी पैड ला देता है लेकिन कीमत देकर पत्नी इसे इस्तेमाल करने से मना कर देती है इसके बाद लक्ष्मी को आइडिया आता है कि इसे कम लागत में ही बनाया जा सकता है बार बार कोशिश करने पर भी वो ऐसा पैड नहीं बना पाता जैसा कंपनियाँ बनाती हैं फिर वह सैनिटरी पैड की मशीन बनाने की ठान लेता है लेकिन इसके लिए उसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है पत्नी माँ बहन और समाज का हर कोई उसके अस्तित्व को ही नकार देता है लोगों को लक्ष्मी महावारी की तरह ही गंदगी लगने लगता है आईआईटी से अविष्कार के लिए अवार्ड जीतने पर लोग उसकी तस्वीर देखकर खुश तो होते हैं लेकिन अगले ही पल जब देखते हैं कि यह सम्मान पैड के लिए मिला है तब उसे भी हैं और आनंद भरी नजरों से देखते हैं लेकिन वो हौसला नहीं हारता और लगातार डटा रहता है इसके बाद अचानक उसकी जिंदगी में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है और उसकी प्रेरणा बन जाती है पैड के इस्तेमाल जैसे जिस छोटी सी बात को लक्ष्मी औरतों को नहीं समझा पाता परी चुटकियों में उसे कर देती है और फिर जो सिलसिला चलता है वो थमने का नाम ही नहीं लेता लेकिन अब भी उसका परिवार उसे गलत ही मानता है उसे यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर लक्ष्मी जो बोलता है वो बातें सुनने वालों के दिल में उतर जाती हैं लक्ष्मी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है जब आपकी माँ बहन और बेटी मजबूत होती है तब देश मजबूत होता है ये एक लाइन बहुत बड़ा संदेश देती है हमारी सोसाइटी में आज भी पीरियड के दौरान महिलाओं को जिस हालात से गुजरना पड़ता है वो किसी से छिपा नहीं है पीरियड आने पर घर के किसी कोने में पड़े रहना अलग बिस्तर पर सोना पति को ना छूना और खाना न बनाना बड़ों को खाना पानी न देना इस तरह के जो भ्रम है ये हु वही दिखाती हैं जो फिर बताती हैं कि अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है अक्षय कुमार ने पैडमैन की भूमिका को बहुत ही सहजता से निभाया है इस रोल को जीवंत करने के लिए वे फिल्म में पैंटी और पैड तक पहन लेते हैं जब कोई उनकी बात नहीं समझता तब उनके चेहरे पर मजबूरी दिखाई देती है उन्हें देखकर कर कहा जा सकता है कि इस रोल को उनसे बेहतर शायद ही कोई निभा सकता था ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस तरह का चुनौतीपूर्ण रोल करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है पर्दे पर ज्यादातर एक्टर्स एक्शन और रोमांस ही करना चाहते हैं कोई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर फिल्म नहीं बनाना चाहता क्योंकि उनकी छवि का सवाल होता है लेकिन ये फिल्म करके अक्षय कुमार हीरो से सुपर हीरो बन गए हैं इससे पहले भी उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा को चुना और लोगों ने उसे देखा भी इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार ने बिना कुछ कहे ही बॉलीवुड सुपरस्टार्स को ये संदेश भी दिया है कि वास्तविक मुद्दों पर भी इंटरटेनिंग फिल्में बनाई जा सकती हैं साथ ही अब स्टारडम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप दर्शकों को कुछ नया दें और एक्सपेरिमेंट करते रहें लक्ष्मी जो कुछ भी है वो गायत्री यानी राधिका आप्टे की वजह से है इससे पहले राधिका फर्स्ट में ग्रामीण महिला की भूमिका में दिख चुकी हैं और उन्होंने अपनी भूमिका से इस फिल्म में जान डाल दी है वही सोनम कपूर के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट है इसमें आंधी फिल्म में राधिका हैं और बाकी में सोनम और दोनों ने ही अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म के डायरेक्टर आर बल्की हैं जो अपनी हर फिल्म में दर्शकों के सामने कुछ नया परोसते हैं टीवी पर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले सीनेटरी पैड के जैसे दाग अच्छे हैं वॉक एंड टाग और जागो रे जैसे एड्स के आइडियाज उन्हीं के हैं इसके बाद फिल्मों की बात करें तो चीनी कम पा समिता एंड का और अप पैडमैन अगर आपने उनकी ये फिल्में देखी हैं तो जरूर समझ जाएंगे कि कुछ नया करना ही उनका जुनून है और इस बार उन्होंने बिना कुछ घुमाए फिराए बहुत सटीक तरीके से अपनी बात कह दी है सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को उन्होंने पर्दे पर इस तरीके से उकेरा है कि चाहे स्कूली लड़कियां हों गांव की औरतें हों या फिर पुरुष हो हर कोई इसे चाव से देखेगा और समझेगा भी फिल्म की कहानी भी बल्कि ने ही लिखी है वो यहाँ भटके नहीं हैं दरअसल सैनिटरी पैड को केंद्र में रखकर उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं सोनम कपूर का एक डायलॉग है तुम गांव हो मैं शहर इन्हें तो आज तक डिजिटल इंडिया भी नहीं जोड़ पाया ये सीन आता है और निकल जाता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत को बस एक डायलॉग में बया कर जाता है इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें कई सारे सीन सरकारी विज्ञापन जैसे हो सकता है कि इसलिए भी किया गया हो ताकि कहानी ज़्यादा फिल्मी ना हो जाए लेकिन ये बातें खटकती हैं इसमें सीनेटरी पैड के साथ साथ महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दिया गया है ऐसे को बिल्कुल सरकारी विज्ञापनों के जैसे ही फिल्म दिया गया है महिलाओं का बैंक जाना लोन लेना चुका देना इत्यादि हालांकि इसे भी पैडमैन की कहानी के साथ जोड़कर ही दिखाया गया है इतना ही नहीं जब फिल्म शुरू होती है तो कुछ देर तक लगातार ऐसा लगता है जिसे देखने वाला कोई विज्ञापन देख रहा हो करीब आधे घंटे बाद फिल्म रफ्तार पकड़ती है और फिर कहीं भी ध्यान भटकने नहीं देती कुछ डायलॉग सोचने पर मजबूर करते हैं फिल्म में एक सीन है जो उन लोगों को जरूर वास्तविक लगेगा जिन्होंने कभी पैड खरीदा हो लक्ष्मी जब पैड खरीदने जाता है तो दुकानदार न्यूज़पेपर में लपेटकर कर पैड काउंटर के नीचे से थमा देता है तब पैडमैन पूछता है चरस गांजा दे रहे हो क्या सीन तो खत्म हो जाता है लेकिन सवाल बना रहता है उम्मीद है कि फिल्म देखने के बाद न पैड मांगने वाला शर्माएगा और न ही देने वाला इस फिल्म की शुरुआत ही आज से मेरी गाने से हुई है बिना समय गवाए एक गाने में ही शादी प्यार इश्क और ग्रामीण गायत्री की बाडिंग को दिखा दिया गया है फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और गीत कौशर मुनीर ने लिखे हैं सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं आज से मेरी गाना बहुत ही रोमांटिक है और पहले ही पॉपुलर हो चुका है हु बहू गाना भी लोग अपने ही खूब देख चुके हैं हु बहु गाना भी लोग पहले भी खूब देख चुके हैं पैडमैन की बेचैनी को दिखाने के लिए साले सपने गाने को रखा गया है जो शटीक लगता है ये फिल्म हर किसी को इसलिए देखनी चाहिए ताकि वो आसानी से इसे समझ सके पीरियड औरतों की बीमारी नहीं है हाँ अगर उसे लेकर सावधान नहीं रहे तो बीमारी जरूर हो सकती है घर हो परिवार हो या फिर स्कूल इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए पीरियड्स को लेकर न शर्माने की जरूरत है और ना ही छिपाने वाली कोई बात आपको जानना चाहिए कि पंद्रह से चौबीस साल की उम्र की लड़कियों में से बयालीस फीसदी ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं बाकी बासठ फीसदी कपड़े पत्ते या फिर राख का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें कई बड़ी बीमारियां होती हैं ये आंकड़े कुछ समय पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जारी किए थे ये फिल्म आपको यही समझाने में मदद करेंगी कि यह शर्माने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का मौका है सोच बदलेगी तभी हालात बदलेंगे तो इस वीकेंड आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म जरूर देखें पैडमैन फिल्म में अक्षय कुमार ने एक बार फिर कुछ वैसा ही करने की कोशिश की थी जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्म टाइलेट एक प्रेम कथा में किया था फिल्म में अक्षय अपने सुपरस्टार वाले अंदाज में एक सामाजिक समस्या सुलझाने की कोशिश करते नजर आते हैं यह फिल्म अरुणाचलम गुरुगथनम के जीवन पर आधारित है उन्होंने महिलाओं की सैनिटरी पैड की मुश्किल को हल करने के लिए पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था अक्षय फिल्म में उनका ही रोल कर रहे हैं फिल्म में दिखाया गया है कि गाँव में शर्म और लाज का घूंघट ओढ़े महिलाओं की जिंदगी कैसी है उस घूंघट के पीछे छिपी महिलाओं की गंभीर परेशानियाँ क्या हैं ए पैडमैन यानी कि लक्ष्मीकांत चौहान उन परेशानियों को दूर करने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत करता है बल्कि समाज की छोटी सोच से भी लड़ता है पैडमैन अपनी पत्नी गायत्री को ही इस परेशानी से जूझते हुए देखता है और उसकी मुश्किलों को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ता है इतना ही नहीं इस दौरान उसके सामने कई रुकावटें आती हैं लेकिन पैडमैन हार नहीं मानता इस दौरान उसके बुलंद इरादे उसे विदेश में सेमिनार तक ले जाते हैं जहाँ वह अपने आइडियाज शेयर करता है इसके ठीक उलट पैडमैन को अपने गांव, अपने परिवार और समाज के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार इस बार एक्टिंग के मामले में जरा कमजोर लगे पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं वो फिल्म में वैसे सब कुछ करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी डायरेक्टर आर बल्कि इस फिल्म में राधिका आप्टे पैडमैन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं और अपने छोटे से रोल में ही वो काफ़ी असर डालती हैं दूसरी तरफ पैडमैन के इस मिशन में उसका साथ देने वाली रिया का रोल भी कर रही सोनम कपूर ने भी अच्छा काम किया है वो फिल्म में खूबसूरत लगी है और फिल्म का ग्लैमर बढ़ाती है सोनम फिल्म में एक सोशल एक्टिंग की भूमिका में है फिल्म कई जगह पर कुछ ज़्यादा ही नाटकी होती नजर आती है जो कुछ अखरता है फिल्म में किरदारों को मध्य प्रदेश का दिखाया गया है जबकि उनके कई रीति रिवाज साउथ के लगते हैं जैसे पीरियड शुरू होने पर किया जाने वाला खास आयोजन और एक कपड़ा बिछा कर उस पर थाली रख खाना खाना मीका का गाया सुपर हीरो और अरिजीत का गाया आज से तेरी संग फिल्म में देखने के बाद भी देर तक याद रह जाते हैं कुल मिलाकर यह फिल्म महावारी के दिनों में महिलाओं को स्वच्छ रहने का संवेद देती है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड क्या मायने रखता है और इन्हें इसकी क्या जरूरत है इस फिल्म के बारे में जागरूक करती है वह अपनी पत्नी की औरतों वाली बात यानी मैंट्रोअल हाइजीन के मुद्दे को लेकर इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि उस समस्या का निवारण करने के लिए खुद सैनिटरी पैड बनाने की ठान लेता है मगर आज जिस दौर में यह निर्णय लेता है वह आए करीब 16 साल पहले यानी 2001 हज़ार एक की बात जब टीवी पर किसी सैनिटरी पैड के विज्ञापन के आने पर या तो चैनल बदल दिया जाता था या पूछे जाने पर उसे साबुन या किसी और एड का नाम दिया जाता था ग्रामीण इलाकों में तो इसे गंदा और अपवित्र मानकर इसके बारे में बात भी करना पाप समझा जाता था उस प्रवेश की अरुणाचलम गुरुगंथनम की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पार्टमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मेस्ट्रोअल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार को गायत्री यानी राधिका आप्टे से शादी करने के बाद पता चलता है कि महावारी के दौरान उसकी पत्नी न केवल गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है बल्कि उसे अछूत करने की तरह पाँच दिन घर से बाहर भी रहना पड़ता है उसे जब डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों महिलाएं गंदे कपड़े राख छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा और खतरनाक रोगों को दावत देती हैं तो वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और फिर गाँव वाले और समाज उन्हें एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सैनिटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एमबीए स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है चीनी कम्पा समिताभ और की एंडका जैसे लीक से हटकर फिल्में परोसने वाले निर्देशक आर बल्की ने पूरी कोशिश की है कि वह मिस्ट्रोल हाइजीन के मुद्दे को हर तरह से भुना ले इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैब्यू हैं उनसे पार पाने के लिए आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर आर बल्की भावनाओं में बहकर फिल्म को उपदेशात्मक बना बैठे हैं सैनिटरी पैड को लेकर फैलाई जाने वाली जागरूकता की कहानी कई जगहों पर खिंची हुई लगती है हालांकि बल्कि ने उसे चुटेले संवादों और लाइट कामिक दृश्यों के बलबूते पर संतुलित करने की कोशिश जरूर की है फिल्म का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना तो में ज्यादा मजबूत है बल्कि ने दक्षिण के बजाय मध्य प्रदेश का बैकड्रॉप रखा जो कहानी को दिलचस्प बनाता है अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है एक अलाकार के रूप में वह फिल्म में हर तरह से स्वच्छंद नजर आते हैं और अपने रोल में दर्शकों को निश्चिंत कर ले जाते हैं कि परिवार और समाज द्वारा हीनता का सरकार बनाए जाने के बावजूद वह सेनेटरी पार्ट क्यों बनाना चाहते हैं राधिका आप्टे आज के दौर की नेचुरल अभिनेत्रियों में से एक हैं और उन्होंने अपने रोल को सहजता से अंजाम दिया है परी के रूम में सनम कपूर कहानी ही नहीं बल्कि फिल्म में भी राहत का काम करती हैं फिल्म की सपोर्टिंग कार्ड भी मजबूत है फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री पर भाव छोड़ जाती है अमित त्रिवेदी के संगीत में पैडमैन बहु आज से मेरा हो गया जिसे गाने फिल्म रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे अक्षय कुमार की एक्टिंग के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है इसके साथ ही अगर आप इन खास मुद्दों पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप पैडमैन को जरूर देखें महिलाओं में माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका भारतीय समाज में बहुत बड़ा हवा बनाकर रखा गया है इस बारे में बात करते हुए लोग असहज हो जाते हैं महावारी के दिनों में बयासी प्रतिशत महिलाएं गंदे कपड़े राख और पत्तों का इस्तेमाल करती हैं उन्हें कोई छोता नहीं है घर या रसोई से उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है सभी उसे हे दृष्टि से देखते हैं मानो उसने अपराध कर दिया हो गरीबी और अशिक्षा इसका मूल कारण है इन कठिन दिनों में सैनिटरी पैड्स के उपयोग से कई बीमारियों से बचा जा सकता है लेकिन भारत की ज्यादातर महिलाओं ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि इस देश में मात्र अठारह प्रतिशत इसका इस्तेमाल करती हैं कुछ करना चाहती हैं लेकिन गरीबी उनके हाथ रोक देती है क्योंकि इसका उत्पादन करने वाली कंपनियां महंगे दामों में इन्हें बेचती हैं आश्चर्य की बात है कि सरकार का भी अभी तक इस ओर ध्यान नहीं गया है अरुणाचनम गुर्गा नामक शख्स से यह देखा नहीं गया कि उसकी पत्नी पैड्स के बजाय घटिया तरीके अजमाए और बीमारियों को आमंत्रित करे पैसा नहीं था तो खुद ही पैड बनाने की सोची आठवीं पास इस इंसान ने बड़े इंजीनियरों को भी हैरत में डाल दिया जब उन्होंने पैड बनाने की मशीन का इजाद किया उन्होंने मात्र दो रुपये की लागत में पैड उपलब्ध कराए और लाखों महिलाओं को फायदा पहुंचाया। इन्हीं अरुणाचलम का जिक्र ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब द लीजेंट ऑफ लक्ष्मी प्रसाद में किया है ट्विंकल यही नहीं रुकी उन्होंने अरुणाचलम पर पैड मैन नामक एक फिल्म भी बना डाली जिसमें अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया है यह फिल्म अरुणाचलम के जीवन से प्रेरित है क्योंकि इस पर फिल्म बनाना आसान बात नहीं है इसलिए लेखक और निर्देशक ने अपनी कल्पना के रेसे भी कहानी में जोड़े हैं इस फिल्म में महेश्वर में रहने वाले लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार की शादी होती है जब वह पत्नी को माहवारी के दिनों में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देखता है तो सिहर जाता है पर्स खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है एक फैक्ट्री में काम करने वाला लक्ष्मी दिमाग से तेज है उसके दिमाग में आइडिया की कमी नहीं है चीज़ों को बेहतर बनाकर ज़िंदगी को वह आसान बनाता है उसके पत्नी हनुमान जी के नारियल खाने और प्रसाद लेने से चकित है लेकिन वह जानता है कि हनुमान जी के अंदर एक मशीन काम कर रही है लक्ष्मीकांत पैड बनाने की सोचता है कुछ प्रयोग करता है जो असफल रहते हैं महिलाओं रिश्तेदारों गाँव वालों की बातें सुननी पड़ती हैं यहाँ तक कि उसकी माँ बहनें और पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती हैं लेकिन वह पैड बनाने की मशीन बनाने के धुन में लगा रहता है और कामयाब होता है उसकी इस यात्रा को फिल्म में बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है पहले भाग में इस मुद्दे पर लोगों की सोच को बताया गया है लक्ष्मी जब पर्स बनाने का काम शुरू करता है तो उसे ढीले नाड़े का आदमी कहकर ताने मारे जाते हैं उसे गाँव तक छोड़ना पड़ता है दूसरे भाग में पर्स बनाने की मशीन को लेकर लक्ष्मीकांत के संघर्ष को दर्शाया गया है कि कैसे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होता है लक्ष्मी के प्रयोगों को लेकर कई मजेदार सीन रचे गए हैं वह पैंटी खरीदता है पैड बनाता है खुद पैड लगाता है प्रयोग के लिए बकरे का खून उसमें डालता है उसकी पैंट पर लगे खून को लोग देख कर घबरा जाते हैं पैड के प्रयोग के लिए वह मारा मारा घूमता है लेकिन उसे फीडबैक ही नहीं मिलता कि वह सही कर रहा है या गलत दुकानदार पैड को टेबल के नीचे से देता है मानो चरस गांजा दे रहा हो लक्ष्मी और उसके पत्नी का रोमांस भी दिल छू लेने वाला है दूसरे हाफ में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है परी उसकी पहली ग्राहक रहती है परी के मुंह से लक्ष्मी का यह सुनना कि उसके द्वारा बनाया गया पैड भी अन्य पैड्स की तरह ही है वाला सीन बेहतरीन है इसमें अक्षय कुमार के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं परी और उसके पिता की बॉन्डिंग भी प्रभावित करती है पिता बच्चे को माँ की तरह ही पाले तो ही मजा है वाली बातें दिखाने में बल्कि माहिर हैं निर्देशक रूप में बल्की का काम शानदार है एक ऐसा विषय जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते उस पर ऐसी फिल्म बनाना जो लोग पसंद करे टेढ़ा काम है लेकिन बल्कि ने यह कर दिखाया वही विषय की गहराई में गए दर्शकों को बांधने के लिए मनोरंजन सीन बनाए और अपनी बात दर्शकों के सामने रखने में सफल रहे बल्कि की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने फिल्म को न तो डॉक्यूमेंट्री बनने दी और न ही सरकारी भोंपूँ पहले हम में जरूर कुछ सीन अत नाटकीय हो गए जैसे पंचायत पूरे गांव के सामने लक्ष्मीकांत को फटकार लगाती है इस तरह के दृश्यों से बचा जा सकता था जिसमें फिल्म की लंबाई भी कम हो जाती है लक्ष्मी और परी का एक दूसरे की ओर आकर्षित होना भी थोड़ा अखरता है लेकिन अरुणाचलम ने स्वीकारा है कि वह अपनी अंग्रेजी पढ़ाने वाली टीचर की ओर आकर्षित हो गए थे और वही रिश्ते निर्देशक ने यहाँ पर दिखाया है अभिनय के मामले में अक्षय कुमार के करियर की यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है लक्ष्मीकांत को उन्होंने इस तरह से आत्मसात किया है कि फिल्म शुरू होते ही हम भूल जाते हैं कि ये अक्षय कुमार हैं पूरी फिल्म में मजबूती से कैरेक्टर को पकड़ रखा है अपने अंदर के अच्छे इंसान को उन्होंने अभिनय के माध्यम से झलकाया है फिल्म के अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने वाले सीन में उनका अभिनय देखने लायक है अपनी स्टार वाली छवि को त्याग कर एक आम आदमी बनने का जोखिम भी उन्होंने उठाया है राधिका आपटे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्होंने ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला राधिका आपटे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्हें ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला जिसे लोक लाज का हमेशा भय सताता रहता है इस किरदार को उन्होंने बाखूबी जिया है सोनम कपूर फिल्म को अलग ऊंचाइयों पर ले जाती हैं परी के रूप में उनका अभिनय देखने लायक है छोटी छोटी भूमिकाओं में कई कलाकार हैं और सभी का अभिनय उल्लेखनीय है पी सी श्री राम की सिनेमाटोग्राफी शानदार है उनके एरियल शार्ट्स देखने लायक हैं गाने थीम के अनुरूप हैं और लाजनम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो सस्ते पैट्स बनाती है पैडमैन की टीम इसलिए बधाई के पात्र है कि इस कठिन विषय पर फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है अब सरकारों की बारी है वो उन बयासी महिलाओं के बारे में सोचे जो पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती पैडमैन नौ फरवरी 2018 को रिलीज हुई भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे हैं अमिताभ बच्चन ने इसमें विशेष भूमिका निभाई थी यह फिल्म अरुणाचलम गुरु ग्रंथम की वास्तविक जीवनी की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था गुरु नाथनम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सेनेटरी नैपकिन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी उनको इस आविष्कार के लिए पद्म सिरीज से नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना भी इस फिल्म को प्रोड्यूस और निर्देशित कर रही थी ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर के बल्की ने इसके निर्माता थे ट्विंकल खन्ना एस पीई e. फिल्म भारत क्रियार्स मनोरंजन केप होप प्रोडक्शंस इसके लेखक थे आरबल की स्वानंद यह फिल्म आधारित है द जिनेटरी मैन ऑफ स्कॉटलैंड जो कि ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई थी इसमें वॉइस ओवर किया है अमिताभ बच्चन ने इसमें संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने इसका संपादन किया था चंदन अरोरा ने इसमें स्टूडियोज थे कोलम्बिया पिक्चर्स होप प्रोडक्शन क्रियार्स मनोरंजन मिसेज फ मूवीज इसके वितरक थे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ये रिलीज हुई थी 9 फरवरी 2018 को 140 मिनट की यह फिल्म है भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत थी नब्बे करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी एक करोड़ रुपए इस मूवी की कहानी की शुरुआत लक्ष्मी यानी अक्षय कुमार और गायत्री यानी राधिका आप्टे के विवाह से शुरू होती है जो कि एक खुशहाल और भाग्यशाली दंपति हैं लक्ष्मी अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था मासिक धर्म को लेकर गांव में एक रूढ़ुवादी सोच के चलते उस दौरान गायत्री को घर का काम काज करने नहीं दिया जाता था और उस पाँच दिन के दौरान उसे अपने पति से अलग बाहर दूसरे बिस्तर पर सोना पड़ता था गांव के युवाओं के द्वारा इसे औरतों का पाँच दिन का टेस्ट मैच भी कहा गया जिसके विषय में लक्ष्मी बिल्कुल अभिनज्ञ था लक्ष्मी इस पर शांत था लेकिन महावारी के दौरान जब वह अपनी पत्नी गायत्री को फटे पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हुए देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह परेशान हो जाता इस विषय पर जब वह गायत्री से बात करता तो वह कहती कि इसका मर्दों से कोई लेना देना नहीं है और एक मर्द होने के नाते उसे औरतों के विषय में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है वह उनका पर्सनल मामला है वह खुद ही से निपटा लेंगी इन सब के बावजूद भी लक्ष्मी को रहा नहीं गया और वो मेडिकल स्टोर पर जाकर पचपन रुपए का एक सैनिटरी नैपकिन अपनी पत्नी के लिए लाता है जब लक्ष्मी उसे लेकर घर जाता है और उसे गायत्री के हाथों में देता है तो गायत्री उसे समझाती है और उसे मना करती है कि प्रत्येक माँ वह इतने महंगे पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी लक्ष्मी उसे वापस नहीं करता वह मायूस होकर अपने काम पर लौट जाता है जहाँ एक कारीगर को चोट लग जाती है लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उसकी चोट पर सैनिटरी नैपकिनस का इस्तेमाल करता है ताकि रक्त प्रवाह कम हो सके वही दूसरी ओर अन्य लोग इसे अपवित्र मानते हैं इसके बाद लक्ष्मी तुरंत उस कारीगर को अस्पताल ले जाता है जहाँ डॉक्टर लक्ष्मी को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि रक्त स्त्राव रोकने के लिए सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प है लक्ष्मी खुश हो जाता है और उसे एक उपाय सूझता है फिर वह कुछ रुई कपड़े और गोंद अपने दोस्त से लेता है ताकि वह अल्पकालीन पैड बना सके जो ज़्यादा महंगा भी ना हो अपने द्वारा बनाए गए इस पैड को वह गायत्री को प्रयोग करने के लिए देता है लेकिन लक्ष्मी का यह प्लान असफल हो जाता है जिसके कारण रात में गायत्री के कपड़े खराब हो जाते हैं और वो रात भर अपनी साड़ी धुलकर उसका दाग मिटाने की कोशिश करती है गायत्री एक बार फिर लक्ष्मी को औरतों के मामले में दखल न देने को कहती है लक्ष्मी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वह चोरी छिप अपनी पड़ोस की एक लड़की को अपनी बनाई हुई पैड इस्तेमाल करने को देता है जो कि फिर एक लोकापवाद का कारण बनता है फिर उसकी मुलाकात एक मेडिकल की छात्रा से होती है जो कि लक्ष्मी द्वारा बनाए गए पैड को इस्तेमाल कर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है लेकिन उस छात्रा के दोस्त इससे इंकार कर देते हैं लक्ष्मी उस छात्रा से दोबारा मिलता है ये पता लगाने के लिए कि उसका पैड अपना काम कर रहा है या नहीं लेकिन इन दोनों की मुलाकात को लक्ष्मी की एक करीबी रिश्तेदार देख लेती है जिसके बाद गायत्री को लगता है कि लक्ष्मी का किसी अन्य महिला के साथ गैर संबंध चल रहा है लक्ष्मी रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन को उपहार स्वरूप सेनेट्री पैड भेंट देता है जिसके कारण उसकी बहन को अपने सास ससुर के सामने शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है इन सभी घटनाओं के बाद गायत्री लक्ष्मी को अपनी कसम देती है और कहती है कि वह अपने इस काम में किसी को शामिल नहीं करेगा लक्ष्मी इससे बाहर नहीं आ पाता गायत्री के लाख मना करने के बावजूद वह फिर कोई दूसरी तकनीक ढूंढता है और वह निश्चित करता है कि वह इसका प्रयोग स्वयं पर करेगा वह अपने दोस्त से बकरी का खून लेता है और उसे गुब्बारे में भरकर उसमें पंप जोड़ता है और फिर अपने ऊपर पैड का प्रयोग करता है लेकिन एक बार फिर उसकी ये योजना असफल हो जाती है और सर्वाजनिक स्थल में उसका पैंट खून से लतपथ हो जाता है और इस घटना के बाद गांव के लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं जो समाज में रहने लायक नहीं है इन सभी कार्डों से गायत्री का भाई उसे लक्ष्मी से दूर ले जाता है और फिर लक्ष्मी गाँव छोड़ने का निश्चय करता है ताकि वह इन सबसे लड़कर मासिक धर्म जैसे कलंक को मिटा सके लक्ष्मी फिर एक कॉलेज में दाखिला लेता है ताकि उसे सैनिटरी पैड्स में इस्तेमाल किए गए चीजों का पता लग सके खाने पीने रहने और पैसे की आवश्यकताओं के हो हो कारण वह एक प्रोफेसर के यहाँ काम करने लगता है ताकि उसकी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी हो सके प्रोफेसर का बेटा इंटरनेट की सहायता से सैनिटरी पैड से जुड़े हर एक जानकारी एकत्रित करता है और लक्ष्मी की मदद करता है वो एक इंटरनेशनल कंपनी के जरिए कुछ सेल्यूलोज फाइबर जो कि पैड बनाने में इस्तेमाल होता है उसे लक्ष्मी के लिए मंगाता है लक्ष्मी द्वारा किए गए इस कार्य से प्रोफेसर बहुत नाराज होता है और करोड़ों के लागत से बने पैड्स बनाने वाली मशीन के वीडियो लक्ष्मी को दिखाता है ताकि वह इसे बनाने से पीछे हट जाए इन सब के बावजूद लक्ष्मी अपनी ही मशीन से पैड बनाने का निश्चय करता है और वो कुछ पैसे उधार लेता है और एक आदर्श सैनिटरी पैड के जैसे बिल्कुल पैड्स बनाता है लेकिन उसे इस्तेमाल कर बताने के लिए उसके पास कोई नहीं होता अचानक उसकी मुलाकात परी यानी सोनम कपूर से होती है जिसे पैड की ज़रूरत होती है ज़्यादा रात होने के कारण मेडिकल की दुकानें बंद होती हैं और फिर लक्ष्मी उसे अपने हाथों से बनाए हुए पैड देता है अगले दिन लक्ष्मी परी के पास जाता है और परी से पैड के विषय में पूछता है परी चौंकती है और बताती है कि वह बिल्कुल एक साधारण पैड के जैसा ही था यह सुनकर लक्ष्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो इस खुशखबरी को बताने के लिए गायत्री के पास फोन करता है गायत्री फिर इसे लेकर परेशान हो जाती है और उसका भाई गायत्री को लक्ष्मी से तलाक लेने की बात कर उसे दूर रहने को कहता है लक्ष्मी के इस अद्भुत आविष्कार के लिए परी उसे आईआईटी दिल्ली में लगे ताउत्पाद मेले का न्योता देती है और बताती है कि जीतने वाले को दो लाख का इनाम भी मिलेगा लक्ष्मी को जीवन बदलने के नए आविष्कार के शीर्षक से सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी जाती हैं वह अपनी प्रसिद्धता को छोड़ बड़ी लगन से इतने सस्ते पैड्स को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिसमें परी उसकी सहायता करती है परी के साथ साथ गांव की अन्य महिलाएं भी इस मिशन से जुड़ने लगती हैं उन्हें रोजगार मिलता है परी के नाम से लक्ष्मी अपने निर्मित पैड्स को एक ब्रांड का नाम देता है पैड बनाने के कार्य को लक्ष्मी और भी आगे बढ़ाता है इस साहसिक मिशन के लिए उसे न्यूयॉर्क से यूनिसेफ का न्यौता आता है जहाँ वो अपना भाषण देता है जब औरतें मजबूत होंगी तभी देश मजबूत होगा घर वापस आने के बाद उसे पद श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है परी को लक्ष्मी से प्यार हो जाता है लेकिन लक्ष्मी की खुशी के लिए वह अपने जज्बात को त्याग देती है एक हीरो के भात लक्ष्मी का स्वागत उसके गांव में होता है फिल्म के आखिरी में लक्ष्मी और गायत्री फिर से एक हो जाते हैं लक्ष्मी के साथ बिताए गए यादगार पलों को संजोकर परी उससे दूर चली जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है इस फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में दिल्ली में शुरू हुई थी महेश्वर में फिल्म पार्टमैन की शूटिंग हुई राजस्थान सरकार ने 2022 में महिला दिवस पर जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में पार्टमैन मूवी को निशुल्क दिखाने का निर्णय लिया पार्टमैन एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने महिलाओं के लिए काफी योगदान दिया है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है हमारे भारत देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी महिलाएं पीरियड्स आने पर पुराने कपड़े पत्ते मिट्टी तथा राख का इस्तेमाल करती हैं आज भी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड महंगे होने के कारण इस्तेमाल नहीं करती हैं एक और भी कारण यह है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं है अगर दुकान है भी तो सैनिटरी पैड्स नहीं रखते ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना होता है तब मजबूरी में पीरियड्स आने पर पुराने कपड़े पत्ते मिट्टी तथा राख का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे में महिलाओं को बीमारियों का सामना करना पड़ता है पीरियड्स नेचुरल है जैसे भगवान ने औरत और पुरुष के शरीर के बनावट में अंतर किए हैं वैसे ही पीरियड्स भगवान द्वारा बनाया हुआ है ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है अरुणाथलम गुरुगंथनम ग्रंथम रियल पैडमैन है इनका जन्म उन्नीस सौ बासठ में तमिलनाडु के कोयम्बूर में हुआ था इनके पिता का निधन सड़क हादसे में हो गया था जिसकी वजह से उन्हें गरीबी में बचपन गुजारना पड़ा माँ खेतों में काम करती थी और तब जाकर घर का खर्चा चलता था चौदह साल की उम्र में उनका स्कूल भी छूट गया उसके बाद उन्होंने कई तरह के काम किए ताकि परिवार को मदद कर सके अरुणाचलम की शादी उन्नीस सौ अट्ठानबे में शांति से हो गई एक दिन देखा कि उनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़ों और अखबार का इस्तेमाल करती है क्योंकि सैनिटरी पैड्स महंगे आते हैं इसके बाद अरुणाचलम इस समस्या से निपटने के लिए जुट गए अरुणाचलम को शादी के बाद अपनी पत्नी शांति से पता चला कि पीरियड्स के समय महिलाओं को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन्होंने रुई से सैनिटरी पैड बनाया और अपनी पत्नी से इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा लेकिन वो फीडबैक पाने के लिए एक महीना का इंतजार नहीं कर पाए और वो तुरंत अपनी बहन के पास गए लेकिन उनकी बहन ने भी इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया फिर ये पास के ही एक लोकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के पास गए लेकिन यहाँ भी किसी ने इसे यूज नहीं किया इसके बाद अरुणाचलम ने फैसला किया कि वो खुद ही इसे ट्राई करेंगे फिर क्या था वो एक गर्भाशय बनाए जिसमें बकरी का खून भर लिया खून में कुछ केमिकल मिलाया ताकि खून जम नहीं सके वो उसनेटरी नैपकिन को पहनकर दिन भर घूमते थे अपना सारा काम करते थे और इसके बारे में जानने में लग गए नेशनल इनोवेशन अवार्ड की उन्नीस एंट्रीज में उनके मशीन को पहला स्थान मिला 2014 में टाइम्स मैग्नीज ने उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में चुना 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया वो आज जयश्री इंडस्ट्रीज नाम का नैपकिन बिजनेस चला रहे हैं पूरे भारत में दो यूनिट्स हैं 21,000 से ज्यादा महिलाएं यहां काम करती हैं अक्षय कुमार ने पिछली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में शौचालय ले को लेकर जागरूकता फैलाई अब पर्डमैन फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं और समाज में जागरूकता फैला रहे हैं फिल्म पर्डमैन अरुणाचलम गुरुगथनम की लाइव पर बेस्ट है खबरों की माने तो बुधवार को अरुणाचलम ने अक्षय कुमार की ये फिल्म देखी थी उन्हें काफी पसंद आई थी बताया जा रहा है कि उन्होंने जब ये फिल्म देख रहे थे बताया जा रहा था कि जब वे फिल्म ये देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे गुरु कथनम के मुताबिक इस फिल्म के जरिए मैंने अपनी ही ज़िंदगी को दोबारा जी लिया है मैंने अपनी जिंदगी में अब तक क्या क्या किया है और कैसे किया है सब मेरी आंखों के सामने आ गया मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से कोई दूसरा इंसान पर्दे पर उतार सकता है मुझे खुशी है कि पैडमैन में मेरे सफर को अच्छी तरह से दिखाया गया है यह फिल्म देखकर मैं इमोशनल हो गया जब गुरुगथनम और अरुणाचलम से आप पूछा गया कि आप फिल्म से सौ संतुष्ट हैं तो उन्होंने फिल्म पैडमैन से मेरी ज़िंदगी का अस्सी हिस्सा दिखाया है जब गुरु कथनम से पूछा गया कि क्या वो इस फिल्म से सौ प्रतिशत संतुष्ट हैं तो उन्होंने बताया फिल्म पैडमैन में मेरी जिंदगी का अस्सी परसेंट हिस्सा दिखाया गया है यह मूवी सौ परसेंट मेरी लाइफ पर बेस्ड नहीं है अगर यह पूरी तरह से मेरे ऊपर आधारित होती तो यह एक डॉक्यूमेंट्री से लगती तो यह एक डॉक्यूमेंट्री की लगती हालांकि मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है गुरु कथनम ने फिल्म पैडमैन के बारे में बात करते हुए बताया कि आखिरी बार मैंने साल उन्नीस में आई फिल्म सोले देखी थी जो कि मेरे पिता ने मुझे दिखाई थी इसके बाद मैंने अब अपनी ही कहानी को पर्दे पर देखा है हालांकि अब मेरी कहानी को देखने के लिए मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पिता जहां भी होंगे उन्हें मुझ पर गर्व होगा पार्टमैन फिल्म अरुणाचलम गुरुगथनम की जिंदगी से प्रेरित है अरुणाचलम तमिलनाडु के कोयम्बूर के निवासी हैं उन्होंने सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती मशीन बनाई है वो स्कूल ड्राप आउट हैं और उन्होंने पीरियड्स जैसी टाइपों को चैलेंज करने की ठानी उनका मिशन दुनिया भर की गरीब महिलाओं खासकर गांव की महिलाओं को सस्ते दाम पर सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराना था उनके पिता हैंडलूम वर्कर थे उन्हें मशीन और पेरेंट्स की रुई के बारे में अच्छे से पता था उन्हें 1998 में अपनी पत्नी शांति से पता चला कि पीरियड्स के समय महिलाओं को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन्होंने पाया कि उनके गाँव के आस के एरिया में सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल बहुत कम होता है दस में से सिर्फ एक महिला ही इसका प्रयोग करती है उन्होंने जल्द ही रोई से पाने के लिए एक इंतजार नहीं कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के पास गए लेकिन, लेकिन यहाँ भी किसी ने यूज नहीं किया इसके बाद ने इसे खुद ट्राई करने का फैसला किया इसके बाद उन्होंने एक गर्भाशय बनाया जिसमें उन्होंने बकरी का खून भर लिया उन्होंने उसमें कुछ मिलाया जिससे खून जमे ना वो सीनेटरी नैपकिन को अपने कपड़ों के अंदर पहनकर दिन भर घूमते थे हालांकि इससे बदबू भी आती थी वो देखना चाहते थे कि उनके द्वारा बनाए गए सीनेटरी नैपकिन कितना सोख पाने में सक्षम है उन्हें दो साल तीन महीने यह पता लगाने में लग गए कि सनेटरी पैड्स किन किन चीजों के बने होते हैं इसके साढ़े चार साल बाद उन्होंने पैड्स बनाने के लिए सस्ती मशीन बनाया नेशनल इनोवेशन अवार्ड की नौ सौ एंट्रीज में उनके मशीन को पहला स्थान मिला अरुणाचल ने अठारह महीनों में दो मशीन बनाया 2014 में उन्हें टाइम्स मैग्ज हांडेड सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में चुना गया 2016 में उन्हें पद सीरीज ऐसी भी नवाजा गया था आज वो जयश्री इंडस्ट्रीज नाम का नैपकिन बिजनेस चला रहे हैं इनकी 2003 यूनिट्स पूरे भारत में हैं इक्कीस हजार ऐसी ज्यादा महिलाएं यहाँ काम करती हैं पायडमान फिल्म के डायरेक्टर आर के बल्कि का कहना है कि अरुणाचलम की जिंदगी सोलह की तरह मनोरंजक है पीरियड्स आना और मेन्ट्रोल साइकिल आज भी समाज में महिलाओं के लिए शर्म की बात है खासकर तब जब बात मध्यम वर्गी और गरीब परिवारों की हो वहाँ शर्म ही धर्म है लड़की के बड़े होने पर धूमधाम से उसका स्वागत तो किया जाता है लेकिन जैसे ही वो पाँच दिन आते हैं लड़की अछूत हो जाती है और घर के किसी कोने में ढकेल दी जाती है लड़कियाँ वो भी स्वीकार कर ले तो भी शर्म के नाम पर उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है जिस समय लड़कियों को सबसे ज्यादा केयर और साफ सफाई की आवश्यकता होती है उन्हें गंदगी में रहने को कहा जाता है लड़कियों और महिलाओं को इस गंदगी की वजह और उन दिनों की दुश्वारियों में किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है कुछ ऐसे ही कहानी कहने की कोशिश कर रही है पैडमैन फिल्म के कई सीन और कई डायलॉग झकझोरते हैं फिल्म में समाज की कुरीतियों को शर्म को संवेदना को भर भर कर दिखाया गया है पीरियड्स को गंदी सोच कहने वालों की सोच शायद फिल्म को देख बदल सके महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली सरकार शायद महिला की पहली सबसे बड़ी जरूरत सैनिटरी पैड पर जी हटाए उसे सस्ता करने के लिए कुछ कदम उठाए कि हर गरीब महिला उन दिनों में साफ सफाई का ध्यान रखे और खुद को भी कई तरह की होने वाली बीमारियों से बचा सके जब सिनेमा की परिकल्पना की गई तो उसका एक मकसद समाज में मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता फैलाना था लेकिन फिल्म उद्योग पर मनोरंजन और कॉमर्स इतना हावी हुआ है कि मकसद पीछे रह गया पैडमैन आज की जरूरत की फिल्म है जिसे परिवार के साथ देखना चाहिए परिवार के साथ अगर हिचकिचाहट हो रही हो तो लड़कों को समूह में जाकर इस फिल्म को देखना चाहिए जैसे दसुई की बायोलॉजी की किताब के पिछले पन्ने को पढ़ते हैं समाज को खासकर महिलाओं को यह समझना होगा कि हर महीने आने वाला मिन्ट्रोल साइकिल महिला वाली बात या कोई शर्म की बात नहीं है सैनिटरी पैड खरीदने जाने के दौरान सरमाने घबराने या फिर पन्नी में रखने की जरूरत नहीं है महावारी मेंट्रोल साइकिल एक सच्चाई है जिसे हर किसी को जानना ही चाहिए महावारी और महिला को ध्यान में रखकर आर बल्कि ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है सब्जेक्ट नया और समाज को जागरूक करने वाला है अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की एक्टिंग रियल लगती है फिल्म शुरुआत से ही कसी हुई है वह अपनी पत्नी और औरतों वाली बात यानी महावारी के दौरान गंदे कपड़े और राग के उपयोग के लिए की जाने वाली बात जानकर इतना विचलित हो जाता है कि वो खुद सेनेट्री पैड बनाने की ठान लेता है कहानी सोलह साल पहले की है जब अपर क्लास की महिलाएं भी टेलीविजन पर पैड का विज्ञापन आने पर इधर उधर देखा करती थी और पुरुष बातों में लग जाया करते थे उस दौर में अरुला स्लम गुरु ग्रंथरम की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पार्डमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मिंट्रोल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार को गायत्री ने राधिका आपटे से शादी करने के बाद पता चलता है कि माहवारी के दौरान उसकी पत्नी पाँच दिनों तक न केवल घर के बाहर रहती है बल्कि साफ सफाई की जगह गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है वह उसकी समस्याओं को खत्म करने के लिए खोज करना शुरू करता है और सैनिटरी पैड लेकर आता है राधिका अपने महंगा पैड देख कर बौखला जाती है और इसे औरत के लिए शर्म की बात कहकर मानती है लक्ष्मी को डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों में महिलाएं गंदे कपड़े राख छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा बीमारियों और खतरनाक रोगों की शिकार होती हैं कई महिलाएं तो बांझ तक हो जाती हैं फिर वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के साथ साथ समाज से भी दुदार जाता है गांव वाले और समाज वाले उसे एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सैनिटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एम स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है समाज को अलग हटकर फिल्म देने वाले आर बल्कि ने महिलाओं के मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की है इसमें कोई दो नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है इसमें कोई दो नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे ज़रूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर बाल की भावनाओं में बहते नजर आए हैं एक बात जो फिल्म देखने के दौरान समझ नहीं आती कि बल्कि ने फिल्म के लिए मध्य प्रदेश को क्यों चुना है अगर वो साउथ के बैकग्राउंड पर भी बनाई जाती तो उसका मर्म उतना ही रहता फिल्म में सोनम कपूर और राधिका आप्टे की एक्टिंग भी बहुत रियल है अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू हैं उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है अमित त्रिवेदी के संगीत में पैडमैन पैडमैन हो बहु आज से मेरा हो गया जैसे गाने फिल्म के रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे सिनेटरी और पेड और पीरियड जैसे मुद्दे पर तो लोग बात तक नहीं करना चाहते अब तक हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक किसी भी बड़े स्टार ने इस विषय पर फिल्म बनाने की बात सोची तक नहीं लेकिन ये हिम्मत अक्षय कुमार ने दिखाई एक बड़े स्टार के लिए ऐसा विषय चुनना बहुत मुश्किल है जिसका नाम लेते ही लोग नज़रें चुराने लगते हैं जब लोग देखेंगे और सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे लेकिन इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार अपनी बात दर्शकों तक आसान भाषा में पहुंचाने में कामयाब रहे हैं पिछले साल इसी विषय पर फुल्लू फिल्म आई थी लेकिन शायद ही आपने उसके बारे में सुना भी होगा पैडमैन आने से पहले इसे लेकर दो डर थे पहला कि कहीं ये बहुत फिल्मी ना हो जाए और दूसरा कि कहीं इसे डॉक्यूमेंट्री जैसी ना बना दे लेकिन फिल्म देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये फिल्म गेम चेंजर भी साबित होने वाली है क्योंकि इसके बाद पीरियड और सीनेटरी पैड जैसे शब्दों को लेकर लोगों की राय बदलने वाली है ये फिल्म तमिलनाडु के रहने वाले अरुणाचलम गुरुगतनम के ऊपर बनी है जिन्होंने सीनेटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था इनकी कहानी को अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब में लिखी इसके बाद इस पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें राज़ी किया ये फिल्म मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड में बनी है इसमें साल 2001 के दौरान की कहानी दिखाई गई है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार अपनी पत्नी से बेानतहा मोहब्बत करता है लोग प्यार से से लक्ष्मी बुलाते हैं जैसे ही पता चलता है कि उसके पत्नी गायत्री यानी राधिका आप्टे अपने पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है तब इस बात को लेकर परेशान हो जाता है गंदगी से कई बड़ी बीमारियाँ फैलती हैं और उसे इस बात की फिक्र है कि गायत्री को कुछ हो ना जाए फिर लक्ष्मी गायत्री को सैनिटरी पैड ला देता है लेकिन कीमत देकर पत्नी इसे इस्तेमाल करने से मना कर देती है इसके बाद लक्ष्मी को आइडिया आता है कि इसे कम लागत में ही बनाया जा सकता है बार बार कोशिश करने पर भी वो ऐसा पैड नहीं बना पाता जैसा कंपनियां बनाती हैं फिर वह सैनिटरी पैड की मशीन बनाने की ठान लेता है लेकिन इसके लिए उसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है पत्नी माँ बहन और समाज का हर कोई उसके अस्तित्व को ही नकार देता है लोगों को लक्ष्मी माहवारी की तरह ही गंदगी लगने लगता है आई से आविष्कार के लिए अवार्ड जीतने पर लोग उसकी तस्वीर देखकर खुश तो होते हैं लेकिन अगले ही पल जब देखते हैं कि यह सम्मान पैड के लिए मिला है तब उसे दुधकारते भी हैं और आनंद भरी नजरों से देखते हैं लेकिन वो हौसला नहीं हारता और लगातार डटा रहता है इसके बाद अचानक उसकी जिंदगी में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है और उसकी प्रेरणा बन जाती है पैड के इस्तेमाल जैसे जिस छोटी सी बात को लक्ष्मी औरतों को नहीं समझा पाता परी चुटकियों में उसे कर देती है और फिर जो सिलसिला चलता है वो थमने का नाम ही नहीं लेता लेकिन अब भी उसका परिवार उसे गलत ही मानता है उसे यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर लक्ष्मी जो बोलता है वो बातें सुनने वालों के दिल में उतर जाती हैं लक्ष्मी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहता है जब आपकी माँ बहन और बेटी मजबूत होती है तब देश मजबूत होता है ये एक लाइन बहुत बड़ा संदेश देती है हमारी सोसाइटी में आज भी पीरियड के दौरान महिलाओं को जिस हालात से गुजरना पड़ता है वो किसी से छिपा नहीं है पीरियड आने पर घर के किसी कोने में पड़े रहना अलग बिस्तर पर सोना पति को न छूना और खाना न बनाना बड़ों को खाना पानी न देना इस तरह के जो भ्रम है ये हु बहु वही दिखाती हैं जो फिर बताती हैं कि अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है अक्षय कुमार ने पैडमैन की भूमिका को बहुत ही सहजता से निभाया है इस रोल को जीवंत करने के लिए वह फिल्म में पैंटी और पैड तक पहन लेते हैं जब कोई उनकी बात नहीं समझता तब उनके चेहरे पर मजबूरी दिखाई देती है उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि इस रोल को उनसे बेहतर शायद ही कोई निभा सकता था ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस तरह का चुनौतीपूर्ण रोल करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है पर्दे पर ज़्यादातर एक्टर्स एक्शन और रोमांस ही करना चाहते हैं कोई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर फिल्म नहीं बनाना चाहता क्योंकि उनकी छवि का सवाल होता है लेकिन ये फिल्म करके अक्षय कुमार हीरो से सुपर हीरो बन गए हैं इससे पहले भी उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा को चुना और लोगों ने उसे देखा भी इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार ने बिना कुछ कहे ही बॉलीवुड सुपर को ये संदेश भी दिया है कि वास्तविक मुद्दों पर भी इंटरटेनिंग फिल्में बनाई जा सकती हैं साथ ही अब स्टारडम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप दर्शकों को कुछ नया दे और एक्सपेरिमेंट करते रहें लक्ष्मी जो कुछ भी है वो गायत्री यानी राधिका आप्टे की वजह से है इससे पहले राधिका फर्स्ट में ग्रामीण महिला की भूमिका में दिख चुकी हैं और उन्होंने अपनी भूमिका से इस फिल्म में जान डाल दी है वही सोनम कपूर के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट है इसमें आंधी फिल्म में राधिका हैं और बाकी में सोनम और दोनों ने ही अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म के डायरेक्टर आर बल्की हैं जो अपनी हर फिल्म में दर्शकों के सामने कुछ नया परोसते हैं टीवी पर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले सिनेट्री पैड के जैसे दाग अच्छे हैं वाक एंड टाक और जागो रे जैसे एड्स के आइडियाज उन्हीं के हैं इसके बाद फिल्मों की बात करें तो चीनी कम पा समिता एंड और अब पैडमैन अगर आपने उनकी ये फिल्में देखी हैं तो जरूर समझ जाएंगे कि कुछ नया करना ही उनका जुनून है और इस बार उन्होंने बिना कुछ घुमाए फिराए बहुत सटीक तरीके से अपनी बात कह दी है सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को उन्होंने पर्दे पर इस तरीके से उकेरा है कि चाहे स्कूली लड़कियां हों गांव की औरतें हों या फिर पुरुष हो हर कोई इसे चाव से देखेगा और समझेगा भी फिल्म की कहानी भी बल्कि ने ही लिखी है वो यहाँ भटके नहीं हैं दरअसल सैनिटरी पैड को केंद्र में रखकर उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं सोनम कपूर का एक डायलॉग है तुम गांव हो मैं शहर इन्हें तो आज तक डिजिटल इंडिया भी नहीं जोड़ पाया ये सीन आता है और निकल जाता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत को बस एक डायलॉग में बया कर जाता है इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें कई सारे सीन सरकारी विज्ञापन जैसे हो सकता है कि इसलिए भी किया गया हो ताकि कहानी ज़्यादा फिल्मी ना हो जाए लेकिन ये बातें खटकती हैं इसमें सैनिटरी पैड के साथ साथ महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दिया गया है ऐसे सेन्स को बिल्कुल सरकारी विज्ञापनों के जैसे ही फिल्म दिया गया है महिलाओं का बैंक जाना लोन लेना चुका देना इत्यादि हालांकि इसे भी पैडमैन की कहानी के साथ जोड़कर ही दिखाया गया है इतना ही नहीं जब फिल्म शुरू होती है तो कुछ देर तक लगातार ऐसा लगता है जिसे देखने वाला कोई विज्ञापन देख रहा हो करीब आधे घंटे बाद फिल्म रफ्तार पकड़ती है और फिर कहीं भी ध्यान भटकने नहीं देती कुछ डायलॉग सोचने पर मजबूर करते हैं फिल्म में एक सीन है जो उन लोगों को जरूर वास्तविक लगेगा जिन्होंने कभी पैड खरीदा हो लक्ष्मी जब पैड खरीदने जाता है तो दुकानदार न्यूज़पेपर में लपेटकर पैड काउंटर के नीचे से थमा देता है तब पैडमैन पूछता है चरस गांजा दे रहे हो क्या सीन तो खत्म हो जाता है लेकिन सवाल बना रहता है उम्मीद है कि फिल्म देखने के बाद न पैड मांगने वाला शर्माएगा और न ही देने वाला इस फिल्म की शुरुआत ही आज से मेरी गाने से हुई है बिना समय गवाए एक गाने में ही शादी प्यार इश्क और ग्रामीण गायत्री की बाडिंग को दिखा दिया गया है फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और गीत कौशर मुनीर ने लिखे हैं सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं आज से मेरी गाना बहुत ही रोमांटिक है और पहले ही पॉपुलर हो चुका है हु बहु गाना भी लोग अपने ही खूब देख चुके हैं हु बहु गाना भी लोग पहले भी खूब देख चुके हैं पैडमैन की बेचैनी को दिखाने के लिए साले सपने गाने को रखा गया है जो शटीक लगता है ये फिल्म हर किसी को इसलिए देखनी चाहिए ताकि वो आसानी से इसे समझ सके पीरियड औरतों की बीमारी नहीं है हाँ अगर उसे लेकर सावधान नहीं रहे तो बीमारी जरूर हो सकती है घर हो परिवार हो या फिर स्कूल इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए पीरियड्स को लेकर न शर्माने की जरूरत है और ना ही छिपाने वाली कोई बात आपको जानना चाहिए कि पंद्रह से चौबीस साल की उम्र की लड़कियों में से बयालीस फीसदी ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं बाकी बासठ फीसदी कपड़े पत्ते या फिर राख का इस्तेमाल करती हैं जिसमें कई बड़ी बीमारियां होती हैं ये आंकड़े कुछ समय पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जारी किए थे ये फिल्म आपको यही समझाने में मदद करेंगी कि यह शर्माने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का मौका है सोच बदलेगी तभी हालात बदलेंगे तो इस वीकेंड आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म जरूर देखें पैडमैन फिल्म में अक्षय कुमार ने एक बार फिर कुछ वैसा ही करने की कोशिश की थी जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्म टाइलेट एक प्रेम कथा में किया था फिल्म में अक्षय अपने सुपरस्टार वाले अंदाज में एक सामाजिक समस्या सुलझाने की कोशिश करते नजर आते हैं यह फिल्म अरुणाचलम गुरुगथनम के जीवन पर आधारित है उन्होंने महिलाओं की सैनिटरी पैड की मुश्किल को हल करने के लिए पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था अक्षय फिल्म में उनका ही रोल कर रहे हैं फिल्म में दिखाया गया है कि गाँव में शर्म और लाज का घूंघट ओढ़े महिलाओं की जिंदगी कैसी है उस घूंघट के पीछे छिपी महिलाओं की गंभीर परेशानियाँ क्या हैं ए पैडमैन यानी कि लक्ष्मीकांत चौहान उन परेशानियों को दूर करने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत करता है बल्कि समाज की छोटी सोच से भी लड़ता है पैडमैन अपनी पत्नी गायत्री को ही इस परेशानी से जूझते हुए देखता है और उसकी मुश्किलों को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ता है इतना ही नहीं इस दौरान उसके सामने कई रुकावटें आती हैं लेकिन पैडमैन हार नहीं मानता इस दौरान उसके बुलंद इरादे उसे विदेश में सेमिनार तक ले जाते हैं जहाँ वह अपने आइडिया शेयर करता है इसके ठीक उलट पैडमैन को अपने गांव, अपने परिवार और समाज के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार इस बार एक्टिंग के मामले में जरा कमजोर लगे पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं वो फिल्म में वैसा सब कुछ करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी डायरेक्टर आर बल्कि इस फिल्म में राधिका आप्टे पैडमैन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं और अपने छोटे से रोल में ही वो काफ़ी असर डालती हैं दूसरी तरफ तो पैडमैन के इस मिशन में उसका साथ देने वाले रिया का रोल भी कर रही सोनम कपूर ने भी अच्छा काम किया है वो फिल्म में खूबसूरत लगी है और फिल्म का ग्लैमर बढ़ाती है सोनम फिल्म में एक सोशल एक्टिंग की भूमिका में है फिल्म कई जगह पर कुछ ज़्यादा ही नाटकी होती नजर आती है जो कुछ अखरता है फिल्म में किरदारों को मध्य प्रदेश का दिखाया गया है जबकि उनके कई रीति रिवाज साउथ के लगते हैं जैसे पीरियड शुरू होने पर किया जाने वाला खास आयोजन और एक कपड़ा बिछाकर उस पर थाली रख खाना खाना मीका का गाया सुपरहीरो और अरिजीत का गाया आज से तेरी संग फिल्म में देखने के बाद भी देर तक याद रह जाते हैं कुल मिलाकर यह फिल्म महावारी के दिनों में महिलाओं को स्वच्छ रहने का संवेद देती है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड क्या मायने रखता है और इन्हें इसकी क्या जरूरत है इस फिल्म के बारे में जागरूक करती है वह अपनी पत्नी की औरतों वाली बात यानी मैंट्रोअल हाइजीन के मुद्दे को लेकर इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि उस समस्या का निवारण करने के लिए खुद सैनिटरी पैड बनाने की ठान लेता है मगर आज जिस दौर में यह निर्णय लेता है वह आए करीब सोलह साल पहले यानी दो हजार एक की बात जब टी वी पर किसी सैनिटरी पैड के विज्ञापन के आने पर या तो चैनल बदल दिया जाता था या पूछे जाने पर उसे साबुन या किसी और एड का नाम दिया जाता था ग्रामीण इलाकों में तो इसे गंदा और अपवित्र मानकर इसके बारे में बात भी करना पाप समझा जाता था उस प्रदेश की अरुणाचलम गुरुगंथनम की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पार्टमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मेस्ट्रोअल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार को गायत्री यानी राधिका आपटे से शादी करने के बाद पता चलता है कि महावारी के दौरान उसके पत्नी न केवल गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है बल्कि उसे अछूत करने की तरह पाँच दिन घर से बाहर भी रहना पड़ता है उसे जब डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों महिलाएं गंदे कपड़े राख छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा और खतरनाक रोगों को दावत देती हैं तो वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और फिर गांव वाले और समाज उन्हें एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सैनिटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एम स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है चीनी कम्पा समिताभ और के एंड का जैसे लीक से हटकर फिल्में परोसने वाले निर्देशक आर बल्की ने पूरी कोशिश की है कि वह मिस्टूल हाइजीन के मुद्दे को हर तरह से भुना ले इसमें कोई दो नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैब्यू हैं उनसे पार पाने के लिए आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर आर बल्की भावनाओं में बहकर फिल्म को उपदेशात्मक बना बैठे हैं सैनेटरी पैड को लेकर फैलाई जाने वाली जागरूकता की कहानी कई जगहों पर खिंची हुई लगती है हालांकि बल्कि ने उसे चुटेले संवादों और लाइट कामिक दृश्यों के बलबूते पर संतुलित करने की कोशिश जरूर की है फिल्म का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना तो में ज्यादा मजबूत है बल्कि ने दक्षिण के बजाय मध्य प्रदेश का बैकड्रॉप रखा जो कहानी को दिलचस्प बनाता है अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू हैं उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है एक अदाकार के रूप में वह फिल्म में हर तरह से स्वच्छंद नजर आते हैं और अपने रोल में दर्शकों को निश्चिंत कर ले जाते हैं कि परिवार और समाज द्वारा हिंता का सरकार बनाए जाने के बावजूद वह सैनिटरी पार्ट क्यों बनाना चाहते हैं राधिका आप्टे आज के दौर की नेचुरल अभिनेत्रियों में से एक हैं और उन्होंने अपने रोल को सहजता से अंजाम दिया है परी के रूप में सोनम कपूर कहानी ही नहीं बल्कि फिल्म में भी राहत का काम करती हैं फिल्म की सपोर्टिंग कार्ड भी मजबूत है फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री प्रभाव छोड़ जाती है अमित त्रिवेदी के संगीत में पैडमैन वो बहु आज से मेरा हो गया जैसे गाने फिल्म की रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे अक्षय कुमार के एक्टिंग के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है इसके साथ ही अगर आप इन खास मुद्दों पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप पैडमैन को जरूर देखें महिलाओं में महामारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका भारतीय समाज में बहुत बड़ा हवा बनाकर रखा गया है इस बारे में बात करते हुए लोग असहज हो जाते हैं महावारी के दिनों में बयासी प्रतिशत महिलाएं गंदे कपड़े राख और पत्तों का इस्तेमाल करती हैं उन्हें कोई छोता नहीं है घर या रसोई से उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है सभी उसे हे दृष्टि से देखते हैं मानो उसने अपराध कर दिया हो गरीबी और अशिक्षा इसका मूल कारण है इन कठिन दिनों में सैनिटरी पैड्स के उपयोग से कई बीमारियों से बचा जा सकता है लेकिन भारत की ज्यादातर महिलाओं ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि इस देश में मात्र अठारह प्रतिशत इसका इस्तेमाल करती हैं कुछ करना चाहती हैं लेकिन गरीबी उनके हाथ रोक देती है क्योंकि इसका उत्पादन करने वाली कंपनियां महंगे दामों में इन्हें बेचती हैं आश्चर्य की बात है कि सरकार का भी अभी तक इस ओर ध्यान नहीं गया है अरुणाचनम गुर्गानाथम नामक शख्स से यह देखा नहीं गया कि उसकी पत्नी पैड्स के बजाय घटिया तरीके अजमाए और बीमारियों को आमंत्रित करे पैसा नहीं था तो खुद ही पैड बनाने की सोची आठवीं पास इस इंसान ने बड़े इंजीनियरों को भी हैरत में डाल दिया जब उन्होंने पैड बनाने की मशीन का इजाद किया उन्होंने मात्र दो रुपये की लागत में पैड उपलब्ध कराए और लाखों महिलाओं को फायदा पहुंचाया। इन्हीं अरुणाचलम का जिक्र ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब द लीजेंट ऑफ लक्ष्मी प्रसाद में किया है ट्विंकल यही नहीं रुकी उन्होंने अरुणाचलम पर पैड मैन नामक एक फिल्म भी बना डाली जिसमें अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया है यह फिल्म अरुणाचलम के जीवन से प्रेरित है चूँकि इस पर फिल्म बनाना आसान बात नहीं है इसलिए लेखक और निर्देशक ने अपनी कल्पना के रेसे भी कहानी में जोड़े हैं इस फिल्म में महेश्वर में रहने वाले लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार की शादी होती है जब वह पत्नी को माहवारी के दिनों में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देखता है तो सिहर जाता है पर्स खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है एक फैक्ट्री में काम करने वाला लक्ष्मी दिमाग से तेज है उसके दिमाग में आइडिया की कमी नहीं है चीज़ों को बेहतर बनाकर ज़िंदगी को वह आसान बनाता है उसके पत्नी हनुमान जी के नारियल खाने और प्रसाद लेने से चकित है लेकिन वह जानता है कि हनुमान जी के अंदर एक मशीन काम कर रही है लक्ष्मीकांत पैड बनाने की सोचता है कुछ प्रयोग करता है जो असफल रहते हैं महिलाओं रिश्तेदारों गाँव वालों की बातें सुननी पड़ती हैं यहाँ तक कि उसकी माँ बहनें और पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती हैं लेकिन वह पैड बनाने की मशीन बनाने के धुन में लगा रहता है और कामयाब होता है उसकी इस यात्रा को फिल्म में बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है पहले भाग में इस मुद्दे पर लोगों की सोच को बताया गया है लक्ष्मी जब पर्स बनाने का काम शुरू करता है तो उसे ढीले नाड़े का आदमी कहकर ताने मारे जाते हैं उसे गांव तक छोड़ना पड़ता है दूसरे भाग में पर्स बनाने की मशीन को लेकर लक्ष्मीकांत के संघर्ष को दर्शाया गया है कि कैसे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होता है लक्ष्मी के प्रयोगों को लेकर कई मजेदार सीन रचे गए हैं वह पैंटी खरीदता है पैड बनाता है खुद पैड लगाता है प्रयोग के लिए बकरे का खून उसमें डालता है उसकी पैंट पर लगे खून को लोग देख कर घबरा जाते हैं पैड के प्रयोग के लिए वह मारा मारा घूमता है लेकिन उसे फीडबैक ही नहीं मिलता कि वह सही कर रहा है या गलत दुकानदार पैड को टेबल के नीचे से देता है मानो चरस गांजा दे रहा हो लक्ष्मी और उसके पत्नी का रोमांस भी दिल छू लेने वाला है दूसरे हाफ में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है परी उसकी पहली ग्राहक रहती है परी के मुंह से लक्ष्मी का यह सुनना कि उसके द्वारा बनाया गया पैड भी अन्य पैड्स की तरह ही है वाला सीन बेहतरीन है इसमें अक्षय कुमार के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं परी और उसके पिता की बॉन्डिंग भी प्रभावित करती है पिता बच्चे को माँ की तरह ही पाले तो ही मजा है वाली बातें दिखाने में बल्कि माहिर हैं निर्देशक रूप में बल्की का काम शानदार है एक ऐसा विषय जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते उस पर ऐसी फिल्म बनाना जो लोग पसंद करे टेढ़ा काम है लेकिन बल्कि ने यह कर दिखाया वही विषय की गहराई में गए दर्शकों को बांधने के लिए मनोरंजन सीन बनाए और अपनी बात दर्शकों के सामने रखने में सफल रहे बल्कि की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने फिल्म को न तो डॉक्यूमेंट्री बनने दी और न ही सरकारी भोंपू पहले हम में जरूर कुछ सीन अत्य नाटकीय हो गए जैसे पंचायत पूरे गांव के सामने लक्ष्मीकांत को फटकार लगाती है इस तरह के दृश्यों से बचा जा सकता था जिसमें फिल्म की लंबाई भी कम हो जाती है लक्ष्मी और परी का एक दूसरे की ओर आकर्षित होना भी थोड़ा अखरता है लेकिन अरुणाचलम ने स्वीकारा है कि वह अपनी अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर की ओर आकर्षित हो गए थे और वही रिश्ते निर्देशक ने यहाँ पर दिखाया है अभिनय के मामले में अक्षय कुमार के करियर की यह सबश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है लक्ष्मीकांत को उन्होंने इस तरह से आत्मसात किया है कि फिल्म शुरू होते ही हम भूल जाते हैं कि ये अक्षय कुमार हैं पूरी फिल्म में मजबूती से कैरेक्टर को पकड़ रखा है अपने अंदर के अच्छे इंसान को उन्होंने अभिनय के माध्यम से झलकाया है फिल्म के अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने वाले सीन में उनका अभिनय देखने लायक है अपनी स्टार वाली छवि को त्याग कर एक आम आदमी बनने का जोखिम भी उन्होंने उठाया है राधिका आपटे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्होंने ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला राधिका आपटे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्हें ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला जिसे लोक लाज का हमेशा भय सताता रहता है इस किरदार को उन्होंने बाखूबी जिया है सोनम कपूर फिल्म को अलग ऊंचाइयों पर ले जाती हैं परी के रूप में उनका अभिनय देखने लायक है छोटी छोटी भूमिकाओं में कई कलाकार हैं और सभी का अभिनय उल्लेखनीय है पी सी श्री राम की सिनेमाटोग्राफी शानदार है उनके एरियल शार्ट्स देखने लायक हैं गाने थीम के अनुरूप हैं और लाजनम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे मशीन बनाई जो सस्ते पैरस बनाती है पैडमैन की टीम इसलिए बधाई के पात्र है कि इस कठिन विषय पर फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है अब सरकारों की बारी है वो उन बयासी प्रतिशत महिलाओं के बारे में सोचे जो पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज हुई भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे हैं अमिताभ बच्चन ने इसमें विशेष भूमिका निभाई थी यह फिल्म अरुणाचलम गुरु ग्रंथम की वास्तविक जीवनी की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था गुरुनाथनम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सेनेटरी नैपकिन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी उनको इस आविष्कार के लिए पद्म सिरीज से नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना भी इस फिल्म को प्रोड्यूस और निर्देशित कर रही थी ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर के बल्की ने इसके निर्माता थे ट्विंकल खन्ना एस पीई e. फिल्म भारत क्रियार्स मनोरंजन होप प्रोडक्शंस इसके लेखक थे किरकिरे फिल्म आधारित है द सेनेटरी मैन ऑफ जो कि ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई थी इसमें वॉइस ओवर किया है अमिताभ बच्चन ने इसमें संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने इसका संपादन किया था चंदन अरोरा ने इसमें स्टूडियोज थे कोलंबिया पिक्चर्स होप प्रोडक्शंस क्रियार्स मनोरंजन मिसेज फ मूवीज इसके वितरक थे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग यह रिलीज हुई थी नौ फरवरी दो को एक मिनट की यह फिल्म है भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत थी नब्बे करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए इस मूवी की कहानी की शुरुआत लक्ष्मी यानी अक्षय कुमार और गायत्री यानी राधिका आप्टे के विवाह से शुरू होती है जो कि एक खुशहाल और भाग्यशाली दंपति हैं लक्ष्मी अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था मासिक धर्म को लेकर गांव में एक रढ़वादी सोच के चलते उस दौरान गायत्री को घर का काम काज करने नहीं दिया जाता था और उस पाँच दिन के दौरान उसे अपने पति से अलग बाहर दूसरे बिस्तर पर सोना पड़ता था गांव के युवाओं के द्वारा इसे औरतों का पाँच दिन का टेस्ट मैच भी कहा गया जिसके विषय में लक्ष्मी बिल्कुल अभिनज्ञ था लक्ष्मी इस पर शांत था लेकिन महावारी के दौरान जब वह अपनी पत्नी गायत्री को फटे पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हुए देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह परेशान हो जाता इस विषय पर जब वह गायत्री से बात करता तो कहती कि इसका मर्दों से कोई लेना देना नहीं है और एक मर्द होने के नाते उसे औरतों के विषय में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है वह उनका पर्सनल मामला है वह खुद ही इसे निपटा लेंगी इन सब के बावजूद भी लक्ष्मी को रहा नहीं गया और वो मेडिकल स्टोर पर जाकर पचपन रुपए का एक सैनिटरी नैपकिन अपनी पत्नी के लिए लाता है जब लक्ष्मी उसे लेकर घर जाता है और उसे गायत्री के हाथों में देता है तो गायत्री उसे समझाती है और उसे मना करती है कि प्रत्येक माँ इतने महंगे पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी लक्ष्मी उसे वापस नहीं करता वह मायूस होकर अपने काम पर लौट जाता है जहाँ एक कारीगर को चोट लग जाती है लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उसकी चोट पर सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करता है ताकि रक्त प्रवाह कम हो सके वही दूसरी और अन्य लोग इसे अपवित्र मानते हैं इसके बाद लक्ष्मी तुरंत उस कारीगर को अस्पताल ले जाता है जहाँ डॉक्टर लक्ष्मी को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि रक्त स्त्राव रोकने के लिए सैनिटरी नेपककिस का इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प है लक्ष्मी खुश हो जाता है और उसे एक उपाय सूझता है फिर वह कुछ रुई कपड़े और गोंद अपने दोस्त से लेता है ताकि वह अल्पकालीन पैड बना सके जो ज़्यादा महंगा भी ना हो अपने द्वारा बनाए गए इस पैड को वह गायत्री को प्रयोग करने के लिए देता है लेकिन लक्ष्मी का यह प्लान असफल हो जाता है, जिसके कारण रात में गायत्री उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वह चोरी छिप अपनी पड़ोस की एक लड़की को अपनी बनाई हुई पैड इस्तेमाल करने को देता है जो कि फिर एक लोकापवाद का कारण बनता है फिर उसकी मुलाकात एक मेडिकल की छात्रा से होती है जो कि लक्ष्मी द्वारा बनाए गए पैड को इस्तेमाल कर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है लेकिन उस छात्रा के दोस्त इससे इनकार कर देते हैं लक्ष्मी उस छात्रा से दोबारा मिलता है ये पता लगाने के लिए कि उसका पैड अपना काम कर रहा है या नहीं लेकिन इन दोनों की मुलाकात को लक्ष्मी की एक करीबी रिश्तेदार देख लेती है जिसके बाद गायत्री को लगता है कि लक्ष्मी का किसी अन्य महिला के साथ गैर संबंध चल रहा है लक्ष्मी रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन को उपहार स्वरूप सेनेट्री पैड भेंट देता है जिसके कारण उसकी बहन को अपने सास ससुर के सामने शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है इन सभी घटनाओं के बाद गायत्री लक्ष्मी को अपनी कसम देती है और कहती है कि वह अपने इस काम में किसी को शामिल नहीं करेगा लक्ष्मी इसे बाहर नहीं आ पाता गायत्री के लाख मना करने के बावजूद वह फिर कोई दूसरी तकनीक ढूंढता है और वह निश्चित करता है कि वह इसका प्रयोग स्वयं पर करेगा वह अपने दोस्त से बकरी का खून लेता है और उसे गुब्बारे में भरकर उसमें पंप जोड़ता है और फिर अपने ऊपर पैड का प्रयोग करता है लेकिन एक बार फिर उसकी ये योजना असफल हो जाती है और सार्वजनिक स्थल में उसका पैंट खून से लतपत हो जाता है और इस घटना के बाद गांव के लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं जो समाज में रहने लायक नहीं है इन सभी कार्डों से गायत्री का भाई उसे लक्ष्मी से दूर ले जाता है और फिर लक्ष्मी गाँव छोड़ने का निश्चय करता है ताकि वह इन सबसे लड़कर मासिक धर्म से कलंक को मिटा सके लक्ष्मी फिर एक कॉलेज में दाखिला लेता है ताकि उसे सैनिटरी पैड्स में इस्तेमाल किए गए चीजों का पता लग सके खाने पीने रहने और पैसे की आवश्यकताओं के कारण वह एक प्रोफेसर के यहाँ काम करने लगता है ताकि उसकी रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी हो सके प्रोफेसर का बेटा इंटरनेट की सहायता से सैनिटरी पैड से जुड़े हर एक जानकारी एकत्रित करता है और लक्ष्मी की मदद करता है वो एक इंटरनेशनल कंपनी के जरिए कुछ सेल्यूलोज फाइबर जो कि पैड बनाने में इस्तेमाल होता है उसे लक्ष्मी के लिए मंगाता है लक्ष्मी द्वारा किए गए इस कार्य से प्रोफेसर बहुत नाराज होता है और करोड़ों के लागत से बने पैड्स बनाने वाली मशीन के वीडियो लक्ष्मी को दिखाता है ताकि वह इसे बनाने से पीछे हट जाए इन सब के बावजूद लक्ष्मी अपनी ही मशीन से पैड बनाने का निश्चय करता है और वो कुछ पैसे उधार लेता है और एक आदर्श सैनिटरी पैड के जैसे बिल्कुल पैड्स बनाता है लेकिन उसे इस्तेमाल कर बताने के लिए उसके पास कोई नहीं होता अचानक उसकी मुलाकात परी यानी सोनम कपूर से होती है जिसे पैड की जरूरत होती है ज़्यादा रात होने के कारण मेडिकल की दुकानें बंद होती हैं और फिर लक्ष्मी उसे अपने हाथों से बनाए हुए पैड देता है अगले दिन लक्ष्मी परी के पास जाता है और परी से पैड के विषय में पूछता है परी चौंकती है और बताती है कि वह बिल्कुल एक साधारण पैड के जैसा ही था यह सुनकर लक्ष्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो इस खुशखबरी को बताने के लिए गायत्री के पास फोन करता है गायत्री फिर इसे लेकर परेशान हो जाती है और उसका भाई गायत्री को लक्ष्मी से तलाक लेने की बात कर उसे दूर रहने को कहता है लक्ष्मी के इस अद्भुत आविष्कार के लिए परी उसे आई दिल्ली में लगे ताउत्पात मेले का न्यौता देती है और बताती है कि जीतने वाले को दो लाख का इनाम भी मिलेगा लक्ष्मी को जीवन बदलने के नए आविष्कार के शीर्षक से सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी जाती हैं वह अपनी प्रसिद्धता को छोड़ बड़ी लगन से इतने सस्ते पैड्स को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिसमें परी उसकी सहायता करती है परी के साथ साथ गांव की अन्य महिलाएं भी इस मिशन से जुड़ने लगती हैं उन्हें रोजगार मिलता है परी के नाम से लक्ष्मी अपने निर्मित पैड्स को एक ब्रांड का नाम देता है पैड बनाने के कार्य को लक्ष्मी और भी आगे बढ़ाता है इस साहसिक मिशन के लिए उसे न्यूयॉर्क से यूनिसेफ का न्यौता आता है जहाँ वो अपना भाषण देता है जब औरतें मजबूत होंगी तभी देश मजबूत होगा घर वापस आने के बाद उसे पद श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है परी को लक्ष्मी से प्यार हो जाता है लेकिन लक्ष्मी की खुशी के लिए वह अपने जज्बात को त्याग देती है एक हीरो के भात लक्ष्मी का स्वागत उसके गांव में होता है फिल्म के आखिरी में लक्ष्मी और गायत्री फिर से एक हो जाते हैं लक्ष्मी के साथ बिताए गए यादगार पलों को संजोकर परी उससे दूर चली जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है इस फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में दिल्ली में शुरू हुई थी महेश्वर में फिल्म पाडमैन की शूटिंग हुई राजस्थान सरकार ने 2022 में महिला दिवस पर जयपुर के राजमंदिर सिनेमा में पाडमैन मूवी को निशुल्क दिखाने का निर्णय लिया पाडमैन एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने महिलाओं के लिए काफी योगदान दिया है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है हमारे भारत देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी महिलाएं पीरियड्स आने पर पुराने कपड़े पत्ते मिट्टी तथा राग का इस्तेमाल करती हैं आज भी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड महंगे होने के कारण इस्तेमाल नहीं करती हैं एक और भी कारण यह है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं है अगर दुकान है भी तो सैनिटरी पैड्स नहीं रखते ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना होता है तब मजबूरी में पीरियड्स आने पर पुराने कपड़े पत्ते मिट्टी तथा राख का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे में महिलाओं को बीमारियों का सामना करना पड़ता है पीरियड्स नेचुरल है जैसे भगवान ने औरत और पुरुष के शरीर के बनावट में अंतर किए हैं वैसे ही पीरियड्स भगवान द्वारा बनाया हुआ है ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है अरुणाथलम गुरुग्रंथनम रियल पैडमैन है इनका जन्म उन्नीस में तमिलनाडु के कोयम्बोर में हुआ था इनके पिता का निधन सड़क हादसे में हो गया था जिसकी वजह से उन्हें गरीबी में बचपन गुजारना पड़ा माँ खेतों में काम करती थी और तब जाकर घर का खर्चा चलता था चौदह साल की उम्र में उनका स्कूल भी छूट गया उसके बाद उन्होंने कई तरह के काम किए ताकि परिवार को मदद कर सके अरुणाचलम की शादी उन्नीस में शांति से हो गई एक दिन देखा कि उनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़ों और अखबार का इस्तेमाल करती है क्योंकि सैनिटरी पैड्स महंगे आते हैं इसके बाद अरुणाचलम इस समस्या से निपटने के लिए जुट गए अरुणाचलम को शादी के बाद अपनी पत्नी शांति से पता चला कि पीरियड्स के समय महिलाओं को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन्होंने रुई से सैनिटरी पैड बनाया और अपनी पत्नी से इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा लेकिन वो फीडबैक पाने के लिए एक महीना का इंतजार नहीं कर पाए और वो तुरंत अपनी बहन के पास गए लेकिन उनकी बहन ने भी इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया फिर ये पास कहीं एक लोकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास गए लेकिन यहाँ भी किसी ने इसे यूज नहीं किया इसके बाद अरुणाचलम ने फैसला किया कि वो खुद ही इसे ट्राई करेंगे फिर क्या था वो एक गर्भाशय बनाए जिसमें बकरी का खून भर लिया खून में कुछ केमिकल मिलाया ताकि खून जम नहीं सके उस नटरी नैपकिन को पहनकर दिन भर घूमते थे अपना सारा काम करते थे और इसके बारे में जानने में लग गए नेशनल इनोवेशन अवार्ड की उन्नीस सौ में उनके मशीन को पहला स्थान मिला 2014 में टाइम्स मैग्नीस ने उन्हें सौ सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में चुना 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया वो आज जय श्री इंडस्ट्रीज नाम का नैपकिन बिजनेस चला रहे हैं पूरे भारत में 2003 यूनिट्स हैं इक्कीस हजार से ज्यादा महिलाएं यहां काम करती हैं अक्षय कुमार ने पिछली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में शौचालय को लेकर जागरूकता फैलाई अब पर्डमैन फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं और समाज में जागरूकता फैला रहे हैं फिल्म पर्डमैन अरुणाचलम गुरुगथनम की लाइफ पर बेस्ट है खबरों की माने तो बुधवार को अरुणाचलम ने अक्षय कुमार की ये फिल्म देखी थी उन्हें काफी पसंद आई थी बताया जा रहा है कि उन्होंने जब ये फिल्म देख रहे थे बताया जा रहा था कि जब वे फिल्म ये देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे गुरु कथनम के मुताबिक इस फिल्म के जरिए मैंने अपनी ही ज़िंदगी को दोबारा जी लिया है मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक क्या क्या किया है और कैसे किया है सब मेरी आंखों के सामने आ गया मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से कोई दूसरा इंसान पर्दे पर उतार सकता है मुझे खुशी है कि पैडमैन में मेरे सफर को अच्छी तरह से दिखाया गया है ये फिल्म देख मैं इमोशनल हो गया जब गुरुगथनम और वराचलम से पूछा गया कि आप फिल्म से सौ संतुष्ट हैं तो उन्होंने फिल्म पैडमैन से मेरी ज़िंदगी का अस्सी हिस्सा दिखाया है जब गुरुकथनम से पूछा गया कि क्या वे इस फिल्म से सौ प्रतिशत संतुष्ट हैं तो उन्होंने बताया फिल्म पैडमैन में मेरी जिंदगी का अस्सी परसेंट हिस्सा दिखाया गया है यह मूवी सौ परसेंट मेरी लाइफ पर बेस्ड नहीं है अगर यह पूरी तरह से मेरे ऊपर आधारित होती तो यह एक डॉक्यूमेंट्री सी लगती तो यह एक डॉक्यूमेंट्री की लगती हालांकि मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है गुरु कथनम ने फिल्म पैडमैन के बारे में बात करते हुए बताया कि आखिरी बार मैंने साल उन्नीस में आई फिल्म सोलह देखी थी जो कि मेरे पिता ने मुझे दिखाई थी इसके बाद मैंने अब अपनी ही कहानी को पर्दे पर देखा है हालांकि अब मेरी कहानी को देखने के लिए मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पिता जहां भी होंगे उन्हें मुझ पर गर्व होगा पार्टमैन फिल्म अरुणाचलम गतनम की जिंदगी से प्रेरित है अरुणाचलम तमिलनाडु के कोयम्बूर के निवासी हैं उन्होंने सैनिटरी नेपकिन बनाने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती मशीन बनाई है वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं और उन्होंने पीरियड्स जैसी टाइपों को चैलेंज करने की ठानी उनका मिशन दुनिया भर की गरीब महिलाओं खासकर गांव की महिलाओं को सस्ते दाम पर सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराना था उनके पिता हैंडलूम वर्कर थे उन्हें मशीन और पेरेंट्स की रुई के बारे में अच्छे से पता था उन्हें 1998 में अपनी पत्नी शांति से पता चला कि पीरियड्स के समय महिलाओं को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन्होंने पाया कि उनके गाँव के आस के एरिया में सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल बहुत कम होता है दस में से सिर्फ एक महिला ही इसका प्रयोग करती है उन्होंने जल्द ही रोई से पैड बनाया और अपनी पत्नी से इसे यूज करने के लिए कहा लेकिन वो फीडबैक पाने के लिए एक महीना इंतजार नहीं कर पाए इसके बाद वो अपनी बहन के पास गए लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया इसके बाद वो लोकल मेडिकल कॉलेज के के स्टूडेंट पास गए लेकिन यहां भी किसी ने यूज नहीं किया इसके बाद श्रम ने इसे खुद ट्राई करने का फैसला किया इसके बाद उन्होंने एक गर्भाशय बनाया जिसमें उन्होंने बकरी का खून भर लिया उन्होंने उसमें कुछ मिलाया जिससे खून जमे ना वो सीनेटरी नैपकिन को अपने कपड़ों के अंदर पहनकर दिन भर घूमते थे हालांकि इससे बदबू भी आती थी वो देखना चाहते थे कि उनके द्वारा बनाए गए सैनिटरी नैपकिन कितना सोख पाने में सक्षम है उन्हें दो साल तीन महीने यह पता लगाने में लग गए कि सैनिटरी पेड्स किन किन चीजों के बने होते हैं इसके साढ़े चार साल बाद उन्होंने पैड्स बनाने के लिए सस्ती मशीन बनाया नेशनल इनोवेशन अवार्ड की नौ सौ तैतालीस एंट्रीज में उनके मशीन को पहला स्थान मिला अरुणाचलम ने अठारह महीनों में दो सौ पचास मशीन बनाया 2014 में उन्हें टाइम्स मैग्निज हंड्रेड सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में चुना गया 2016 में उन्हें पद सी से भी नवाजा गया था आज वो जयसरी इंडस्ट्रीज नाम का नैपकिन बिजनेस चला रहे दो हजार तीन यूनिट पूरे भारत में हैं इक्कीस हजार ऐसी ज्यादा महिलाएं यहां काम करती हैं पाडमान फिल्म के डायरेक्टर आर के बल्की का कहना है कि अरुणाचलम की जिंदगी सोलह की तरह मनोरंजक है पीरियड्स आना और मेट्रोल साइकिल आज भी समाज में महिलाओं के लिए शर्म की बात है खासकर तब जब बात मध्यम और गरीब परिवारों की हो वहाँ शर्म ही धर्म है लड़की के बड़े होने पर धूमधाम से उसका स्वागत तो किया जाता है लेकिन जैसे ही वो पाँच दिन आते हैं लड़की अछूत हो जाती है और घर के किसी कोने में ढकेल दी जाती है लड़कियाँ वो भी स्वीकार कर ले तो भी शर्म के नाम पर उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है जिस समय लड़कियों को सबसे ज्यादा केयर और साफ सफाई की आवश्यकता होती है उन्हें गंदगी में रहने को कहा जाता है लड़कियों और महिलाओं को इस गंदगी की वजह और उन दिनों की दुश्वारियों में किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है कुछ ऐसे ही कहानी कहने की कोशिश कर रही है पैडमैन फिल्म के कई सीन और कई डायलॉग झकझोरते हैं फिल्म में समाज की कुरीतियों को शर्म को संवेदना को भर भर कर दिखाया गया है पीरियड्स को गंदी सोच कहने वालों की सोच शायद फिल्म को देख बदल सके महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली सरकार शायद महिला की पहली सबसे बड़ी जरूरत सैनिटरी पैड पर जी हटाए उसे सस्ता करने के लिए कुछ कदम उठाए कि हर गरीब महिला उन दिनों में साफ सफाई का ध्यान रखे और खुद को भी कई तरह की होने वाली बीमारियों से बचा सके जब सिनेमा की परिकल्पना की गई तो उसका एक मकसद समाज में मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता फैलाना था लेकिन फिल्म उद्योग पर मनोरंजन और कॉमर्स इतना हावी हुआ है कि मकसद पीछे रह गया पैडमैन आज की जरूरत की फिल्म है जिसे परिवार के साथ देखना चाहिए परिवार के साथ अगर हिचकिचाहट हो रही हो तो लड़कों को समूह में जाकर इस फिल्म को देखना चाहिए जैसे दसवीं की बायोलॉजी की किताब के पिछले पन्ने को पढ़ते हैं समाज को खासकर महिलाओं को यह समझना होगा कि हर महीने आने वाला मिनट्रोल साइकिल महिला वाली बात या कोई शर्म की बात नहीं है सैनिटरी पैड खरीदने जाने के दौरान सरमाने घबराने या फिर पन्नी में रखने की जरूरत नहीं है महावारी मंट्रोल साइकिल एक सच्चाई है जिसे हर किसी को जानना ही चाहिए महावारी और महिला को ध्यान में रखकर आर बल्की ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है सब्जेक्ट नया और समाज को जागरूक करने वाला है कुमार और राधिका आप्टे की एक्टिंग रियल लगती है है फिल्म शुरुआत से ही कसी हुई वह अपनी पत्नी और औरतों बात यानी महावारी के दौरान गंदे कपड़े और राग के उपयोग के लिए की जाने वाली बात जानकर इतना विचलित हो जाता है कि वो खुद सेनेट्री पैड बनाने की ठान लेता है कहानी सोलह साल पहले की है जब अपर क्लास की महिलाएं भी टेलीविजन पर पैड का विज्ञापन आने पर इधर उधर देखा करती थी और पुरुष बातों में लग जाया करते थे उस दौर में अरुणाशलम गुरु ग्रंथनम की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पार्डमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मिंट्रोल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार को गायत्री ने राधिका आप्टे से शादी करने के बाद पता चलता है कि माहवारी के दौरान उसकी पत्नी पाँच दिनों तक न केवल घर के बाहर रहती है बल्कि साफ सफाई की जगह गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है वह उसकी समस्याओं को खत्म करने के लिए खोज करना शुरू करता है और सैनिटरी पैड लेकर आता है राधिका अपने महंगा पैड देख कर बौखला जाती है और इसे औरत के लिए शर्म की बात कहकर मानती है लक्ष्मी को डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों में महिलाएं गंदे कपड़े राख छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा बीमारियों और खतरनाक रोगों की शिकार होती हैं कई महिलाएं तो बाँच तक हो जाती हैं फिर वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के साथ साथ समाज से भी दुदकार जाता है गांव वाले और समाज वाले उसे एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सैनिटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एमबीए स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है समाज को अलग हटकर फिल्म देने वाले आर बल्की ने महिलाओं के मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की है इसमें कोई दो नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है इसमें कोई दो नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर बाल की भावनाओं में बहते नजर आए हैं एक बात जो फिल्म देखने के दौरान समझ नहीं आती कि बल्कि ने फिल्म के लिए मध्य प्रदेश को क्यों चुना है अगर वो साउथ के बैकग्राउंड पर भी बनाई जाती तो उसका मर्म उतना ही रहता फिल्म में सोनम कपूर और राधिका आप्टे की एक्टिंग भी बहुत रियल है। अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है अमित त्रिवेदी के संगीत में पैडमैन पैडमैन हो बहू आज से मेरा हो गया जैसे गाने फिल्म की रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे और पेड और पीरियड जैसे मुद्दे पर तो लोग बात तक नहीं करना चाहते अब तक हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक किसी भी बड़े स्टार ने इस विषय पर फिल्म बनाने की बात सोची तक नहीं लेकिन ये हिम्मत अक्षय कुमार ने दिखाई एक बड़े स्टार के लिए ऐसा विषय चुनना बहुत मुश्किल है जिसका नाम लेते ही लोग नजरें चुराने लगते हैं जब लोग देखेंगे और सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे लेकिन इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार अपनी बात दर्शकों तक आसान भाषा में पहुंचाने में कामयाब रहे हैं पिछले साल इसी विषय पर फुल्लू फिल्म आई थी लेकिन शायद ही आपने उसके बारे में सुना भी होगा पैडमैन आने से पहले इसे लेकर दो डर थे पहला कि कहीं ये बहुत फिल्मी ना हो जाए और दूसरा कि कहीं इसे डॉक्यूमेंट्री जैसी ना बना दे लेकिन फिल्म देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये फिल्म गेम चेंजर भी साबित होने वाली है क्योंकि इसके बाद पीरियड और सैनेटरी पैड जैसे शब्दों को लेकर लोगों की राय बदलने वाली है ये फिल्म तमिलनाडु के रहने वाले अरुणाचलम गुरुगथनम के ऊपर बनी है जिन्होंने सनेटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था इनकी कहानी को अक्षय कुमार के पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब में लिखी इसके बाद इस पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें राजी किया ये फिल्म मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड में बनी है इसमें साल 2001 के दौरान की कहानी दिखाई गई है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार अपनी पत्नी से बेानतहा मोहब्बत करता है लोग प्यार से से लक्ष्मी बुलाते हैं जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी गायत्री यानी राधिका आप्टे अपने पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है तब वह इस बात को लेकर परेशान हो जाता है गंदगी से कई बड़ी बीमारियां फैलती हैं और उसे इस बात की फिक्र है कि गायत्री को कुछ हो ना जाए फिर लक्ष्मी गायत्री को सैनिटरी पैड लाकर देता है लेकिन कीमत देकर पत्नी इसे इस्तेमाल करने से मना कर देती है इसके बाद लक्ष्मी को आइडिया आता है कि इसे कम लागत में ही बनाया जा सकता है बार बार कोशिश करने पर भी वो ऐसा पैड नहीं बना पाता जैसा कंपनियाँ बनाती हैं फिर वह सैनिटरी पैड की मशीन बनाने की ठान लेता है लेकिन इसके लिए उसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है पत्नी माँ बहन और समाज का हर कोई उसके अस्तित्व को ही नकार देता है लोगों को लक्ष्मी महावारी की तरह ही गंदगी लगने लगता है आईआईटी से आविष्कार के लिए अवार्ड जीतने पर लोग उसकी तस्वीर देखकर खुश तो होते हैं लेकिन अगले ही पल जब देखते हैं कि यह सामान पैड के लिए मिला है तब उसे दुधकारते भी हैं और लाल भरी नजरों से देखते हैं लेकिन वो हौसला नहीं हारता और लगातार डटा रहता है इसके बाद अचानक उसकी जिंदगी में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है और उसकी प्रेरणा बन जाती है पैड के इस्तेमाल जैसे जिस छोटी सी बात को लक्ष्मी औरतों को नहीं समझा पाता परी चुटकियों में उसे कर देती है और फिर जो सिलसिला चलता है वो थमने का नाम ही नहीं लेता लेकिन अब भी उसका परिवार उसे गलत ही मानता है उसे यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर लक्ष्मी जो बोलता है वो बातें सुनने वालों के दिल में उतर जाती हैं लक्ष्मी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है जब आपकी माँ बहन और बेटी मजबूत होती है तब देश मजबूत होता है ये एक लाइन बहुत बड़ा संदेश देती है हमारी सोसाइटी में आज भी पीरियड के दौरान महिलाओं को जिस हालात से गुजरना पड़ता है वो किसी से छिपा नहीं है पीरियड आने पर घर के किसी कोने में पड़े रहना अलग बिस्तर पर सोना पति को ना छूना और खाना न बनाना बड़ों को खाना पानी न देना इस तरह के जो भ्रम है ये हु वही दिखाती हैं जो फिर बताती हैं कि अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है अक्षय कुमार ने पैडमैन की भूमिका को बहुत ही सहजता से निभाया है इस रोल को जीवंत करने के लिए वह फिल्म में पैंटी और पैड तक पहन लेते हैं जब कोई उनकी बात नहीं समझता तब उनके चेहरे पर मजबूरी दिखाई देती है उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि इस रोल को उनसे बेहतर शायद ही कोई निभा सकता था ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस तरह का चुनौतीपूर्ण रोल करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है पर्दे पर ज़्यादातर एक्टर्स एक्शन और रोमांस से करना चाहते हैं कोई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर फिल्म नहीं बनाना चाहता क्योंकि उनकी छवि का सवाल होता है लेकिन ये फिल्म करके अक्षय कुमार हीरो से सुपर हीरो बन गए हैं इससे पहले भी उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा को चुना और लोगों ने उसे देखा भी इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार ने बिना कुछ कहे ही बॉलीवुड सुपर को ये संदेश भी दिया है कि वास्तविक मुद्दों पर भी इंटरटेनिंग फिल्में बनाई जा सकती हैं साथ ही अब स्टारडम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप दर्शकों को कुछ नया दें और एक्सपेरिमेंट करते रहें लक्ष्मी जो कुछ भी है वो गायत्री यानी राधिका आप्टे की वजह से है इससे पहले राधिका फर्स्ट में ग्रामीण महिला की भूमिका में दिख चुकी हैं और उन्होंने अपनी भूमिका से इस फिल्म में जान डाल दी है वही सोनम कपूर के लिए भी ये फ्रेश स्टार्ट है इसमें आंधी फिल्म में राधिका हैं और बाकी में सोनम और दोनों ने ही अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म के डायरेक्टर आर बल्की हैं जो अपनी हर फिल्म में दर्शकों के सामने कुछ नया परोसते हैं टीवी पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले सैनिटरी पैड के जैसे दाग अच्छे हैं वॉक एंड टाक और जागो रे जैसे एड्स के आइडियाज उन्हीं के हैं इसके बाद फिल्मों की बात करें तो चीनी कम पा समिताभ की एंड का और अप पैडमैन अगर आपने उनकी ये फिल्में देखी हैं तो ज़रूर समझ जाएंगे कि कुछ नया करना ही उनका जुनून है और इस बार उन्होंने बिना कुछ घुमाए फिराए बहुत सटीक तरीके से अपनी बात कह दी है सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को उन्होंने पर्दे पर इस तरीके से उकेरा है कि चाहे स्कूली लड़कियां हों गांव की औरतें हों या फिर पुरुष हो हर कोई इसे चाव से देखेगा और समझेगा भी फिल्म की कहानी भी बल्कि ने ही लिखी है वो यहाँ भटके नहीं हैं दरअसल सैनिटरी पैड को केंद्र में रखकर उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं सोनम कपूर का एक डायलॉग है तुम गाँव हो मैं शहर इन्हें तो आज तक डिजिटल इंडिया भी नहीं जोड़ पाया ये सीन आता है और निकल जाता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत को बस एक डायलॉग में बयां कर जाता है इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें कई सारे सीन सरकारी विज्ञापन जैसे हो सकता है कि इसलिए भी किया गया हो ताकि कहानी ज्यादा फिल्मी ना हो जाए लेकिन ये बातें खटकती हैं इसमें सैनिटरी पैड के साथ साथ महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दिया गया है ऐसे सीन्स को बिल्कुल सरकारी विज्ञापनों के जैसे ही फिल्मा दिया गया है महिलाओं का बैंक जाना लोन लेना चुका देना इत्यादि हालांकि इसे भी पैडमैन की कहानी के साथ जोड़कर ही दिखाया गया है इतना ही नहीं जब फिल्म शुरू होती है तो कुछ देर तक लगातार ऐसा लगता है जिसे देखने वाला कोई विज्ञापन देख रहा हो करीब आधे घंटे बाद फिल्म रफ्तार पकड़ती है और फिर कहीं भी ध्यान भटकने नहीं देती कुछ डायलॉग सोचने पर मजबूर करते हैं फिल्म में एक सीन है जो उन लोगों को जरूर वास्तविक लगेगा जिन्होंने कभी पैड खरीदा हो लक्ष्मी जब पैड खरीदने जाता है तो दुकानदार न्यूज़पेपर में लपेटकर पैड काउंटर के नीचे से थमा देता है तब पैडमैन पूछता है चरस कांजा दे रहे हो क्या सीन तो खत्म हो जाता है लेकिन सवाल बना रहता है उम्मीद है कि फिल्म देखने के बाद न पैड मांगने वाला शर्माएगा और ना ही देने वाला इस फिल्म की शुरुआत ही आज से मेरी गाने से हुई है बिना समय गवाए एक गाने में ही शादी प्यार इश्क और ग्रामीण गायत्री की बाडिंग को दिखा दिया गया है फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और गीत कौशर मुनीर ने लिखे हैं सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं आज से मेरी गाना बहुत ही रोमांटिक है और पहले ही पॉपुलर हो चुका है हु बहू गाना भी लोग अपने ही खूब देख चुके हैं वो बहु गाना भी लोग पहले भी खूब देख चुके हैं पर्डमैन की बेचैनी को दिखाने के लिए साले सपने गाने को रखा गया है जो शटीक लगता है ये फिल्म हर किसी को इसलिए देखनी चाहिए ताकि वो आसानी से इसे समझ सके पीरियड औरतों की बीमारी नहीं है हाँ अगर उसे लेकर सावधान नहीं रहे तो बीमारी जरूर हो सकती है घर हो परिवार हो या फिर स्कूल इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए पीरियड्स को लेकर न शर्माने की जरूरत है और न ही छिपाने वाली कोई बात आपको जानना चाहिए कि 15 से 24 साल की उम्र की लड़कियों में से बयालीस फीसदी ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं बाकी बासठ फीसदी कपड़े पत्ते या फिर राख का इस्तेमाल करती हैं जिसमें कई बड़ी बीमारियाँ होती हैं ये आंकड़े कुछ समय पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जारी किए थे यह फिल्म आपको यही समझाने में मदद करेंगी की ये शरमाने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का मौका है सोच बदलेगी तभी हालात बदलेंगे तो इस वीकेंड आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म जरूर देखें पैडमैन फिल्म में अक्षय कुमार ने एक बार फिर कुछ वैसा ही करने की कोशिश की थी जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में किया था फिल्म में अक्षय अपने सुपरस्टार वाले अंदाज में एक सामाजिक समस्या सुलझाने की कोशिश करते नजर आते हैं यह फिल्म अरुणाचलम गुरुगथनम के जीवन पर आधारित है उन्होंने महिलाओं की सैनिटरी पैड की मुश्किल को हल करने के लिए पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था अक्षय फिल्म में उनका ही रोल कर रहे हैं फिल्म में दिखाया गया है कि गाँव में शर्म और लाज का घूंघट ओढ़े महिलाओं की जिंदगी कैसी है उस घूंघट के पीछे छिपी महिलाओं की गंभीर परेशानियां क्या हैं ए पैडमैन यानी कि लक्ष्मीकांत चौहान उन परेशानियों को दूर करने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत करता है बल्कि समाज की छोटी सोच से भी लड़ता है पैडमैन अपनी पत्नी गायत्री को ही इस परेशानी से जूझते हुए देखता है और उसकी मुश्किलों को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ता है इतना ही नहीं इस दौरान उसके सामने कई रुकावटें आती हैं लेकिन पैडमैन हार नहीं मानता इस दौरान उसके बुलंद इरादे उसे विदेश में सेमिनार तक ले जाते हैं जहाँ वह अपने आइडिया अपने अपने और समाज के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार इस बार एक्टिंग के मामले में जरा कमजोर लगे पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं वो फिल्म में वैसे सब कुछ करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी डायरेक्टर आर बल्कि इस फिल्म में राधिका आप्टे पैडमैन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं और अपने छोटे से रोल में ही वो काफी असर डालती हैं दूसरी तरफ पैडमैन के इस मिशन में उसका साथ देने वाली रिया का रोल भी कर रही सोनम कपूर ने भी अच्छा काम किया है वो फिल्म में खूबसूरत लगी हैं और फिल्म का ग्लैमर बढ़ाती है सोनम फिल्म में एक सोशल एक्टिंग की भूमिका में है फिल्म कई जगह पर कुछ ज़्यादा ही नाटकी होती नजर आती है जो कुछ अखरता है फिल्म में किरदारों को मध्य प्रदेश का दिखाया गया है जबकि उनके कई रीति रिवाज साउथ के लगते हैं जैसे पीरियड शुरू होने पर किया जाने वाला खास आयोजन और एक कपड़ा बिछाकर उस पर थाली रखकर खाना खाना मीका का गाया सुपरहीरो और अरिजीत का गाया आज से तेरी संग फिल्म में देखने के बाद भी देर तक याद रह जाते हैं कुल मिलाकर यह फिल्म महावारी के दिनों में महिलाओं को स्वच्छ रहने का संवेद देती है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड क्या मायने रखता है और इन्हें इसकी क्या जरूरत है इस फिल्म के बारे में जागरूक करती है वह अपनी पत्नी की औरतों वाली बात यानी मैंट्रोअल हाइजीन के मुद्दे को लेकर इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि वह समस्या का निवारण करने के लिए खुद सैनिटरी पैड बनाने की ठान लेता है मगर आज जिस दौर में यह निर्णय लेता है वह आए करीब 16 साल पहले यानी 2001 हजार एक की बात जब टीवी पर किसी सैनिटरी पैड के विज्ञापन के आने पर या तो चैनल बदल दिया जाता था या पूछे जाने पर उसे साबुन या किसी और एड का नाम दिया जाता था ग्रामीण इलाकों में तो इसे गंदा और अपवित्र मानकर इसके बारे में बात भी करना पाप समझा जाता था उस प्रवेश की अरुणाचलम गुरुगंथनम की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पार्टमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मेस्ट्रोअल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार को गायत्री यानी राधिका आप्टे से शादी करने के बाद पता चलता है कि महावारी के दौरान उसकी पत्नी न केवल गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है बल्कि उसे अछूत करने की तरह पाँच दिन घर से बाहर भी रहना पड़ता है उसे जब डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों महिलाएं गंदे कपड़े राख छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा और खतरनाक रोगों को दावत देती हैं तो वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और फिर गांव वाले और समाज उन्हें एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सैनेटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एमबीए स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है चीनी कम्पा समिताभ और की एंडका जैसे लीक से हटकर फिल्में परोसने वाले निर्देशक आर बल्की ने पूरी कोशिश की है कि वह मिस्टूल हाइजीन के मुद्दे को हर तरह से भुना ले इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैब्यू हैं उनसे पार पाने के लिए आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर आर बल्की भावनाओं में बहकर फिल्म को उपदेशात्मक बना बैठे हैं सैनेटरी पैड को लेकर फैलाई जाने वाली जागरूकता की कहानी कई जगहों पर खिंची हुई लगती है हालांकि बल्कि ने उसे चुटेले संवादों और लाइट कामिक दृश्यों के बलबूते पर संतुलित करने की कोशिश जरूर की है फिल्म का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना तो में ज़्यादा मजबूत है बल्कि ने दक्षिण के बजाय मध्य प्रदेश का बैकड्रॉप रखा जो कहानी को दिलचस्प बनाता है अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू हैं उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है एक अलाकार के रूप में वह फिल्म में हर तरह से स्वच्छंद नजर आते हैं और अपने रोल में दर्शकों को निश्चिंत कर ले जाते हैं कि परिवार और समाज द्वारा हीनता का सरकार बनाए जाने के बावजूद वह सैनिटरी पैड क्यों बनाना चाहते हैं राधिका आप्टे आज के दौर की नेचुरल अभिनेत्रियों में से एक हैं और उन्होंने अपने रोल को सहजता से अंजाम दिया है परी के रूप में सोनम कपूर कहानी ही नहीं बल्कि फिल्म में भी राहत का काम करती हैं फिल्म की सपोर्टिंग कार्ड भी मजबूत है फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री पर भाव छोड़ जाती है अमित त्रिवेदी के संगीत में परडमैन वो बहू आज से मेरा हो गया जैसे गाने फिल्म की रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे अक्षय कुमार के एक्टिंग के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है इसके साथ ही अगर आप इन खास मुद्दों पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप परडमैन को जरूर देखें महिलाओं में महामारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका भारतीय समाज में बहुत बड़ा हौवा बनाकर रखा गया है इस बारे में बात करते हुए लोग असहज हो जाते हैं महावारी के दिनों में बयासी प्रतिशत महिलाएं गंदे कपड़े राख और पत्तों का इस्तेमाल करती हैं उन्हें कोई छोता नहीं है घर या रसोई से उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है सभी उसे हे दृष्टि से देखते हैं मानो उसने अपराध कर दिया हो गरीबी और अशिक्षा इसका मूल कारण है इन कठिन दिनों में सैनिटरी पैड्स के उपयोग से कई बीमारियों से बचा जा सकता है लेकिन भारत की ज्यादातर महिलाओं ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि इस देश में मात्र अठारह प्रतिशत इसका इस्तेमाल करती हैं कुछ करना चाहती हैं लेकिन गरीबी उनके हाथ रोक देती है क्योंकि इसका उत्पादन करने वाली कंपनियां महंगे दामों में इन्हें बेचती हैं आश्चर्य की बात है कि सरकार का भी अभी तक इस ओर ध्यान नहीं गया है अरुणाचनम गुर्गा नामक शख्स से यह देखा नहीं गया कि उसकी पत्नी पैड्स की बजाय घटिया तरीके अजमाए और बीमारियों को आमंत्रित करे पैसा नहीं था तो खुद ही पैड बनाने की सोची आठवीं पास इस इंसान ने बड़े इंजीनियरों को भी हैरत में डाल दिया जब उन्होंने पैड बनाने की मशीन का इजाद किया उन्होंने मात्र दो रुपये की लागत में पैड उपलब्ध कराए और लाखों महिलाओं को फायदा पहुंचाया। इन्हीं अरुणाचलम का जिक्र ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब द लीजेंट ऑफ लक्ष्मी प्रसाद में किया है ट्विंकल यही नहीं रुकी उन्होंने अरुणाचलम पर पैड मैन नामक एक फिल्म भी बना डाली जिसमें अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया है यह फिल्म अरुणाचलम के जीवन से प्रेरित है चूँकि इस पर फिल्म बनाना आसान बात नहीं है इसलिए लेखक और निर्देशक ने अपनी कल्पना के रेसे भी कहानी में जोड़े हैं इस फिल्म में महेश्वर में रहने वाले लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार की शादी होती है जब वह पत्नी को माहवारी के दिनों में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देखता है तो सिहर जाता है पैड्स खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है एक फैक्ट्री में काम करने वाला लक्ष्मी दिमाग से तेज है उसके दिमाग में आइडिया की कमी नहीं है चीज़ों को बेहतर बनाकर ज़िंदगी को वह आसान बनाता है उसके पत्नी हनुमान जी के नारियल खाने और प्रसाद लेने से चकित है लेकिन वह जानता है कि हनुमान जी के अंदर एक मशीन काम कर रही है लक्ष्मीकांत पैड बनाने की सोचता है कुछ प्रयोग करता है जो असफल रहते हैं महिलाओं रिश्तेदारों गाँव वालों की बातें सुननी पड़ती हैं यहाँ तक कि उसकी माँ बहनें और पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती हैं लेकिन वह पैड बनाने की मशीन बनाने के धुन में लगा रहता है और कामयाब होता है उसकी इस यात्रा को फिल्म में बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है पहले भाग में इस मुद्दे पर लोगों की सोच को बताया गया है लक्ष्मी जब पर्स बनाने का काम शुरू करता है तो उसे ढीले नाड़े का आदमी कहकर ताने मारे जाते हैं उसे गांव तक छोड़ना पड़ता है दूसरे भाग में पर्स बनाने की मशीन को लेकर लक्ष्मीकांत के संघर्ष को दर्शाया गया है कि कैसे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होता है लक्ष्मी के प्रयोगों को लेकर कई मजेदार सीन रचे गए हैं वह पैंटी खरीदता है पैड बनाता है खुद पैड लगाता है प्रयोग के लिए बकरे का खून उसमें डालता है उसकी पैंट पर लगे खून को लोग देख कर घबरा जाते हैं पैड के प्रयोग के लिए वह मारा मारा घूमता है लेकिन उसे फीडबैक ही नहीं मिलता कि वह सही कर रहा है या गलत दुकानदार पैड को टेबल के नीचे से देता है मानो चरस गांजा दे रहा हो लक्ष्मी और उसके पत्नी का रोमांस भी दिल छू लेने वाला है दूसरे हाफ में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है परी उसकी पहली ग्राहक रहती है परी के मुंह से लक्ष्मी का यह सुनना कि उसके द्वारा बनाया गया पैड भी अन्य पैड की तरह ही है वाला सीन बेहतरीन है इसमें अक्षय कुमार के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं परी और उसके पिता की बॉन्डिंग भी प्रभावित करती है पिता बच्चे को माँ की तरह ही पाले तो ही मजा है वाली बातें दिखाने में बल्कि माहिर हैं निर्देशक रूप में बल्कि का काम शानदार है एक ऐसा विषय जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते उस पर ऐसी फिल्म बनाना जो लोग पसंद करें टेढ़ा काम है लेकिन बल्कि ने यह कर दिखाया वही विषय की गहराई में गए दर्शकों को बांधने के लिए मनोरंजन सीन बनाए और अपनी बात दर्शकों के सामने रखने में सफल रहे बल्कि की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने फिल्म को न तो डॉक्यूमेंट्री बनने दी और न ही सरकारी भोंपू पहले हाम में जरूर कुछ सीन अतनाटकी हो गए जैसे पंचायत पूरे गांव के सामने लक्ष्मीकांत को फटकार लगाती है इस तरह के दृश्यों से बचा जा सकता था जिसमें फिल्म की लंबाई भी कम हो जाती है लक्ष्मी और परी का एक दूसरे की ओर आकर्षित होना भी थोड़ा अखरता है लेकिन अरुणाचलम ने स्वीकारा है कि वे अपनी अंग्रेजी पढ़ाने वाली टीचर की ओर आकर्षित हो गए थे और वही रिश्ते निर्देशक ने यहाँ पर दिखाया है अभिनय के मामले में अक्षय कुमार के करियर की यह सबश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है लक्ष्मीकांत को उन्होंने इस तरह से आत्मसात किया है कि फिल्म शुरू होते ही हम भूल जाते हैं कि ये अक्षय कुमार हैं पूरी फिल्म में मजबूती से कैरेक्टर को पकड़ रखा है अपने अंदर के अच्छे इंसान को उन्होंने अभिनय के माध्यम से झलकाया है फिल्म के अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने वाले सीन में उनका अभिनय देखने लायक है अपनी स्टार वाली छवि को त्याग कर एक आम आदमी बनने का जोखिम भी उन्होंने उठाया है राधिका आप्टे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्होंने ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला राधिका आप्टे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्हें ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला जिसे लोक लाज का हमेशा भय सताता रहता है इस किरदार को उन्होंने बाखूबी जिया है सोनम कपूर फिल्म को अलग ऊंचाइयों पर ले जाती हैं परी के रूप में उनका अभिनय देखने लायक है छोटी छोटी भूमिकाओं में कई कलाकार हैं और सभी का अभिनय उल्लेखनीय है पी सी श्री राम की सिनेमाटोग्राफी शानदार है उनके एरियल शार्ट्स देखने लायक हैं गाने थीम के अनुरूप हैं और लाजनम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे मशीन बनाई जो सस्ते पैट्स बनाती है पैडमैन की टीम इसलिए बधाई के पात्र है कि इस कठिन विषय पर फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है अब सरकारों की बारी है वो उन बयासी प्रतिशत महिलाओं के बारे में सोचे जो पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे हैं अमिताभ बच्चन ने इसमें विशेष भूमिका निभाई थी यह फिल्म अरुणाचलम गुरु ग्रंथम की वास्तविक जीवनी की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था गुरु नाथनम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सेनेटरी नैपकिन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी उनको इस आविष्कार के लिए पद्म सीरीज से नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना भी इस फिल्म को प्रोड्यूस और निर्देशित कर रही थी ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर के बल्की ने इसके निर्माता थे ट्विंकल खन्ना एस पीई e. फिल्म भारत क्रियार्स मनोरंजन केप गुड होप प्रोडक्शंस इसके लेखक थे की, किरकिरे यह फिल्म आधारित है द मैन ऑफ जो कि ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई थी इसमें वॉइस ओवर किया है अमिताभ बच्चन ने इसमें संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने इसका संपादन किया था चंदन अरोरा ने इसमें स्टूडियोज थे कोलम्बिया पिक्चर्स होप प्रोडक्शन क्रियार्स मनोरंजन मिसेज थे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ये रिलीज हुई थी 9 फरवरी 2018 को 140 मिनट की यह फिल्म है भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत थी नब्बे करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी एक करोड़ रुपए इस मूवी की कहानी की शुरुआत लक्ष्मी यानी अक्षय कुमार और गायत्री यानी राधिका आप्टे के विवाह से शुरू होती है जो कि एक खुशहाल और भाग्यशाली दंपत हैं लक्ष्मी अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था मासिक धर्म को लेकर गांव में एक रूढ़ुवादी सोच के चलते उस दौरान गायत्री को घर का काम काज करने नहीं दिया जाता था और उस पाँच दिन के दौरान उसे अपने पति से अलग बाहर दूसरे बिस्तर पर सोना पड़ता था गांव के युवाओं के द्वारा इसे औरतों का पाँच दिन का टेस्ट मैच भी कहा गया जिसके विषय में लक्ष्मी बिल्कुल अभिनज्ञ था लक्ष्मी इस पर शांत था लेकिन महावारी के दौरान जब वह अपनी पत्नी गायत्री को फटे पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हुए देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह परेशान हो जाता इस विषय पर जब वह गायत्री से बात करता तो वह कहती कि इसका मर्दों से कोई लेना देना नहीं है और एक मर्द होने के नाते उसे औरतों के विषय में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है वह उनका पर्सनल मामला है वह खुद ही इसे निपटा लेंगी इन सब के बावजूद भी लक्ष्मी को रहा नहीं गया और वो मेडिकल स्टोर पर जाकर पचपन रुपए का एक सैनिटरी नैपकिन तो अपनी पत्नी के लिए लाता है जब लक्ष्मी उसे लेकर घर जाता है और उसे गायत्री के हाथों में देता है तो गायत्री उसे समझाती है और उसे मना करती है कि प्रत्येक वह इतने महंगे पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी लक्ष्मी उसे वापस नहीं करता वह मायूस होकर अपने काम पर लौट जाता है जहाँ एक कारीगर को चोट लग जाती है लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उसकी चोट पर सैनिटरी नैपकिनस का इस्तेमाल करता है ताकि रक्त प्रवाह कम हो सके वही दूसरी और अन्य लोग इसे अपवित्र मानते हैं इसके बाद लक्ष्मी तुरंत उस कारीगर को अस्पताल ले जाता है जहाँ डॉक्टर लक्ष्मी को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि रक्त स्तराव रोकने के लिए सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प है लक्ष्मी खुश हो जाता है और उसे एक उपाय सूझता है फिर वह कुछ रुई कपड़े और गोंद अपने दोस्त से लेता है ताकि वह अल्पकालीन पैड बना सके जो ज्यादा महंगा भी ना हो अपने द्वारा बनाए गए इस पैड को वह गायत्री को प्रयोग करने के लिए देता है लेकिन लक्ष्मी का यह प्लान असफल हो जाता है जिसके कारण रात में गायत्री के कपड़े खराब हो जाते हैं और वो रात भर अपनी साड़ी धुलकर उसका दाग मिटाने की कोशिश करती है गायत्री एक बार फिर लक्ष्मी को औरतों के मामले में दखल न देने को कहती है लक्ष्मी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वह चोरी छिप अपनी पड़ोस की एक लड़की को अपनी बनाई हुई पैड इस्तेमाल करने को देता है जो कि फिर एक लोकापवाद का कारण बनता है फिर उसकी मुलाकात एक मेडिकल की छात्रा से होती है जो कि लक्ष्मी द्वारा बनाए गए पैड को इस्तेमाल कर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है लेकिन उस छात्रा के दोस्त इससे इंकार कर देते हैं लक्ष्मी उस छात्रा से दोबारा मिलता है ये पता लगाने के लिए कि उसका पैड अपना काम कर रहा है या नहीं लेकिन इन दोनों की मुलाकात को लक्ष्मी की एक करीबी रिश्तेदार देख लेती है जिसके बाद गायत्री को लगता है कि लक्ष्मी का किसी अन्य महिला के साथ गैर संबंध चल रहा है लक्ष्मी रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन को उपहार स्वरूप सेनेटरी पैड भेंट देता है जिसके कारण उसकी बहन को अपने सास ससुर के सामने शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है इन सभी घटनाओं के बाद गायत्री लक्ष्मी को अपनी कसम देती है और कहती है कि वह अपने इस काम में किसी को शामिल नहीं करेगा लक्ष्मी इसे बाहर नहीं आ पाता गायत्री के लाख मना करने के बावजूद वह फिर कोई दूसरी तकनीक ढूंढता है और वह निश्चित करता है कि वह इसका प्रयोग स्वयं पर करेगा वह अपने दोस्त से बकरी का खून लेता है और उसे गुब्बारे में भरकर उसमें पंप जोड़ता है और फिर अपने ऊपर पैड का प्रयोग करता है लेकिन एक बार फिर उसकी ये योजना असफल हो जाती है और सार्वजनिक स्थल में उसका पैंट खून से लतपत हो जाता है और इस घटना के बाद गांव के लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं जो समाज में रहने लायक नहीं है इन सभी कारणों से गायत्री का भाई उसे लक्ष्मी से दूर ले जाता है और फिर लक्ष्मी गाँव छोड़ने का निश्चय करता है ताकि वह इन सबसे लड़कर मासिक धर्म जैसे कलंक को मिटा सके लक्ष्मी फिर एक कॉलेज में दाखिला लेता है ताकि उसे सैनिटरी पैड्स में इस्तेमाल किए गए चीजों का पता लग सके खाने पीने रहने और पैसे की आवश्यकताओं के कारण वह एक प्रोफेसर के यहाँ काम करने लगता है ताकि उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके प्रोफेसर का बेटा इंटरनेट की सहायता से सैनिटरी पैड से जुड़े हर एक जानकारी एकत्रित करता है और लक्ष्मी की मदद करता है वो एक इंटरनेशनल कंपनी के जरिए कुछ सेल्यूलोज फाइबर जो कि पैड बनाने में इस्तेमाल होता है उसे लक्ष्मी के लिए मंगाता है लक्ष्मी द्वारा किए गए इस कार्य से प्रोफेसर बहुत नाराज होता है और करोड़ों के लागत से बने पैड्स बनाने वाली मशीन के वीडियो लक्ष्मी को दिखाता है ताकि वह इसे बनाने से पीछे हट जाए इन सबके बावजूद लक्ष्मी अपनी ही मशीन से पैड बनाने का निश्चय करता है और वो कुछ पैसे उधार लेता है और एक आदर्श नेटरी पैड के जैसे बिल्कुल पैड्स बनाता है लेकिन उसे इस्तेमाल कर बताने के लिए उसके पास कोई नहीं होता अचानक उसकी मुलाकात परी यानी सोनम कपूर से होती है जिसे पैड की जरूरत होती है ज़्यादा रात होने के कारण मेडिकल की दुकानें बंद होती हैं और फिर लक्ष्मी उसे अपने हाथों से बनाए हुए पैड देता है अगले दिन लक्ष्मी परी के पास जाता है और परी से पैड के विषय में पूछता है परी चौंकती है और बताती है कि वह बिल्कुल एक साधारण पैड के जैसा ही था यह सुनकर लक्ष्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो इस खुशखबरी को बताने के लिए गायत्री के पास फोन करता है गायत्री फिर इसे लेकर परेशान हो जाती है और उसका भाई गायत्री को लक्ष्मी से तलाक लेने की बात कर उसे दूर रहने को कहता है लक्ष्मी के इस अद्भुत आविष्कार के लिए परी उसे आईआईटी दिल्ली में लगे ताउत्पात मेले का न्योता देती है और बताती है कि जीतने वाले को दो लाख का इनाम भी मिलेगा लक्ष्मी को जीवन बदलने के नए आविष्कार के शीर्षक से सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी जाती हैं वह अपनी प्रसिद्धता को छोड़ बड़ी लगन से इतने सस्ते पैड्स को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिसमें परी उसकी सहायता करती है परी के साथ साथ गांव की अन्य महिलाएं भी इस मिशन से जुड़ने लगती हैं उन्हें रोजगार मिलता है परी के नाम से लक्ष्मी अपने निर्मित पैड्स को एक ब्रांड का नाम देता है पैड बनाने के कार्य को लक्ष्मी और भी आगे बढ़ाता है इस साहसिक मिशन के लिए उसे न्यूयॉर्क से यूनिसेफ का न्यौता आता है जहाँ वो अपना भाषण देता है जब औरतें मजबूत होंगी तभी देश मजबूत होगा घर वापस आने के बाद उसे पद श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है परी को लक्ष्मी से प्यार हो जाता है लेकिन लक्ष्मी की खुशी के लिए वह अपने जज्बात को त्याग देती है एक हीरो के भात लक्ष्मी का स्वागत उसके गांव में होता है फिल्म के आखिरी में लक्ष्मी और गायत्री फिर से एक हो जाते हैं लक्ष्मी के साथ बिताए गए यादगार पलों को संजोकर परी उससे दूर चली जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है इस फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में दिल्ली में शुरू हुई थी महेश्वर में फिल्म पैडमैन की शूटिंग हुई राजस्थान सरकार ने 2022 में महिला दिवस पर जयपुर के राजमंदिर सिनेमा में पैडमैन मूवी को निशुल्क दिखाने का निर्णय लिया पार्टमैन एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने महिलाओं के लिए काफी योगदान दिया है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है हमारे भारत देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी महिलाएं पीरियड्स आने पर पुराने कपड़े पत्ते मिट्टी तथा राख का इस्तेमाल करती हैं आज भी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड महंगे होने के कारण इस्तेमाल नहीं करती हैं एक और भी कारण यह है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं है अगर दुकान है भी तो सैनिटरी पैड्स नहीं रखते ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना होता है तब मजबूरी में पीरियड्स आने पर पुराने कपड़े पत्ते मिट्टी तथा राख का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे में महिलाओं को बीमारियों का सामना करना पड़ता है पीरियड्स नेचुरल है जैसे भगवान ने औरत और पुरुष के शरीर के बनावट में अंतर किए हैं वैसे ही पीरियड्स भगवान द्वारा बनाया हुआ है ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है अरुणाथलम गुरुगंथनम रियल पैडमैन है इनका जन्म उन्नीस में तमिलनाडु के कोयम्बूर में हुआ था इनके पिता का निधन सड़क हादसे में हो गया था जिसकी वजह से उन्हें गरीबी में बचपन गुजारना पड़ा माँ खेतों में काम करती थी और तब जाकर घर का खर्चा चलता था चौदह साल की उम्र में उनका स्कूल भी छूट गया उसके बाद उन्होंने कई तरह के काम किए ताकि परिवार को मदद कर सके अरुणाचलम की शादी उन्नीस में शांति से हो गई एक दिन देखा कि उनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़ों और अखबार का इस्तेमाल करती है क्योंकि सैनिटरी पैड्स महंगे आते हैं इसके बाद अरुणाचलम इस समस्या से निपटने के लिए जुट गए अरुणाचलम को शादी के बाद अपनी पत्नी शांति से पता चला कि पीरियड्स के समय महिलाओं को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन्होंने रुई से सैनिटरी पैड बनाया और अपनी पत्नी से इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा लेकिन वो फीडबैक पाने के लिए एक महीना का इंतजार नहीं कर पाए और वो तुरंत अपनी बहन के पास गए लेकिन उनकी बहन ने भी इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया फिर ये पास के ही एक लोकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के पास गए लेकिन यहाँ भी किसी ने इसे यूज नहीं किया इसके बाद अरुणाचलम ने फैसला किया कि वो खुद ही इसे ट्राई करेंगे फिर क्या था वो एक गर्भाशय बनाए जिसमें बकरी का खून भर लिया खून में कुछ केमिकल मिलाया ताकि खून जम नहीं सके उसनेटरी नैपकिन को पहनकर दिन भर घूमते थे अपना सारा काम करते थे और इसके बारे में जानने में लग गए नेशनल इनोवेशन अवार्ड की उन्नीस सौ में उनके मशीन को पहला स्थान मिला 2014 में टाइम्स मैग्नीस ने उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में चुना 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया वो आज जय श्री इंडस्ट्रीज नाम का नैपकिन बिजनेस चला रहे हैं पूरे भारत में दो यूनिट्स हैं इक्कीस हजार से ज्यादा महिलाएं यहां काम करती हैं अक्षय कुमार ने पिछली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में शौचालय ले को लेकर जागरूकता फैलाई अब पर्डमैन फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं और समाज में जागरूकता फैला रहे हैं फिल्म पर्डमैन अरुणाशलम गुरुगथनम की लाइव पर बेस्ड है खबरों की माने तो बुधवार को अरुणासलम ने अक्षय कुमार की ये फिल्म देखी थी उन्हें काफी पसंद आई थी बताया जा रहा है कि उन्होंने जब ये फिल्म देख रहे थे बताया जा रहा था कि जब वे फिल्म ये देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे गुरु कथनम के मुताबिक इस फिल्म के जरिए मैंने अपनी ही ज़िंदगी को दोबारा जी लिया है मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक क्या क्या किया है और कैसे किया है सब मेरी आंखों के सामने आ गया मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी को इतनी खूबसूरती से कोई दूसरा इंसान पर्दे पर उतार सकता है मुझे खुशी है कि पैडमैन में मेरे सफर को अच्छी तरह से दिखाया गया है ये फिल्म देखकर मैं इमोशनल हो गया जब गुरुगथनम और अड़ाचलम से पूछा गया कि आप फिल्म से सौ संतुष्ट हैं तो उन्होंने फिल्म पैडमैन से मेरी जिंदगी का अस्सी हिस्सा दिखाया है जब गुरु कथनम से पूछा गया कि क्या वे इस फिल्म से सौ प्रतिशत संतुष्ट हैं तो उन्होंने बताया फिल्म पैडमैन में मेरी जिंदगी का अस्सी परसेंट हिस्सा दिखाया गया है यह मूवी सौ परसेंट मेरी लाइफ पर बेस्ड नहीं है अगर यह पूरी तरह से मेरे ऊपर आधारित होती तो यह एक डॉक्यूमेंट्री सी लगती तो यह एक डॉक्यूमेंट्री की लगती हालांकि मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है गुरु कथनम ने फिल्म पैडमैन के बारे में बात करते हुए बताया कि आखिरी बार मैंने साल उन्नीस में आई फिल्म सोलह देखी थी जो कि मेरे पिता ने मुझे दिखाई थी इसके बाद मैंने अब अपनी ही कहानी को पर्दे पर देखा है हालांकि अब मेरी कहानी को देखने के लिए मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पिता जहां भी होंगे उन्हें मुझ पर गर्व होगा पार्टमैन फिल्म गुरु गतनम की जिंदगी से प्रेरित है अरुणाचलम तमिलनाडु के कोयम्बूर के निवासी हैं उन्होंने सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती मशीन बनाई है वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं और उन्होंने पीरियड्स जैसे टाइपों को चैलेंज करने की ठानी उनका मिशन दुनिया भर की गरीब महिलाओं खासकर गांव की महिलाओं को सस्ते दाम पर सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराना था उनके पिता हैंडलूम वर्कर थे उन्हें मशीन और पेरेंट्स की रुई के बारे में अच्छे से पता था उन्हें 1998 में अपनी पत्नी शांति से पता चला कि पीरियड्स के समय महिलाओं को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन्होंने पाया कि उनके गाँव के आसपास के एरिया में सैनिटरी नैपकिनस का इस्तेमाल बहुत कम होता है दस में से सिर्फ एक महिला ही इसका प्रयोग करती है उन्होंने जल्द ही रोई से सैनिटरी पैड बनाया और अपनी पत्नी से इसे यूज करने के लिए कहा लेकिन वो फीडबैक पाने के लिए एक महीना इंतजार नहीं कर पाए इसके बाद वो अपनी बहन के पास गए लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया इसके बाद वो लोकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के पास गए लेकिन यहाँ भी किसी ने यूज नहीं किया इसके बाद अरुणाचलम ने इसे खुद ट्राई करने का फैसला किया इसके बाद उन्होंने एक गर्भाशय बनाया जिसमें उन्होंने बकरी का खून भर लिया उन्होंने उसमें कुछ मिलाया जिससे खून जमे जमेना वो नेटरी नैपकिन को अपने कपड़ों के अंदर पहनकर दिन भर घूमते थे हालांकि इससे बदबू भी आती थी वो देखना चाहते थे कि उनके द्वारा बनाए गए कि सैनिटरी कितना सोख पाने में सक्षम हैं उन्हें दो साल तीन महीने यह पता लगाने में लग गए कि सैनिटरी पेड्स किन किन चीजों के बने होते हैं इसके साढ़े चार साल बाद उन्होंने पेड्स बनाने के लिए सस्ती मशीन बनाया नेशनल इनोवेशन अवार्ड की नौ सौ तैतालीस एंट्रीज में उनके मशीन को पहला स्थान मिला अरुणाचलम ने 18 महीनों में 250 मशीन बनाया 2014 में उन्हें टाइम्स मैग्नेस हांड्रेड सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में चुना गया 2016 में उन्हें पद सीरीज से भी नवाजा गया था आज वो जयश्री इंडस्ट्रीज नाम का नैपकिन बिजनेस चला रहे हैं इनकी दो यूनिट्स पूरे भारत में है इक्कीस से ज्यादा महिलाएं यहाँ काम करती हैं पायडमान फिल्म के डायरेक्टर आर के बल्कि का कहना है कि अरुणाचलम की जिंदगी सोले की तरह मनोरंजक है पीरियड्स आना और मेन्ट्रोल साइकिल आज भी समाज में महिलाओं के लिए शर्म की बात है खासकर तब जब बात मध्यम और गरीब परिवारों की हो वहाँ शर्म ही धर्म है लड़की के बड़े होने पर धूमधाम से उसका स्वागत तो किया जाता है लेकिन जैसे ही वो पाँच दिन आते हैं लड़की अछूत हो जाती है और घर के किसी कोने में ढकेल दी जाती है लड़कियाँ वो भी स्वीकार कर ले तो भी शर्म के नाम पर उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है जिस समय लड़कियों को सबसे ज़्यादा केयर और साफ सफाई की आवश्यकता होती है उन्हें गंदगी में रहने को कहा जाता है लड़कियों और महिलाओं को इस गंदगी की वजह और उन दिनों की दुश्वारियों में किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है कुछ ऐसे ही कहानी कहने की कोशिश कर रही है पैडमैन फिल्म के कई सीन और कई डायलॉग झकझोरते हैं फिल्म में समाज की कुरीतियों को शर्म को संवेदना को भर भर कर दिखाया गया है पीरियड्स को गंदी सोच कहने वालों की सोच शायद फिल्म को देख बदल सके महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली सरकार शायद महिला की पहली सबसे बड़ी जरूरत सैनिटरी पैड पर जीएसटी हटाए उसे सस्ता करने के लिए कुछ कदम उठाए कि हर गरीब महिला उन दिनों में साफ सफाई का ध्यान रखे और खुद को भी कई तरह की होने वाली बीमारियों से बचा सके जब सिनेमा की परिकल्पना की गई तो उसका एक मकसद समाज में मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता फैलाना था लेकिन फिल्म उद्योग पर मनोरंजन और कॉमर्स इतना हावी हुआ है कि मकसद पीछे रह गया पैडमैन आज की जरूरत की फिल्म है जिसे परिवार के साथ देखना चाहिए परिवार के साथ अगर हिचकिचाहट हो रही हो तो लड़कों को समूह में जाकर इस फिल्म को देखना चाहिए जैसे की बायोलॉजी की किताब के पिछले पन्ने को पढ़ते हैं समाज को खासकर महिलाओं को यह समझना होगा कि हर महीने आने वाला मिनट्रोल साइकिल महिला वाली बात या कोई शर्म की बात नहीं है सैनिटरी पैड खरीदने जाने के दौरान शर्माने घबराने या फिर पन्नी में रखने की जरूरत नहीं है महावारी मिनट्रल साइकिल एक सच्चाई है जिसे हर किसी को जानना ही चाहिए महावारी और महिला को ध्यान में रखकर आर बल्की ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है सब्जेक्ट नया और समाज को जागरूक करने वाला है अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की एक्टिंग रियल लगती है फिल्म शुरुआत से ही कसी हुई है वह अपनी पत्नी और औरतों वाली बात यानी महावारी के दौरान गंदे कपड़े और राग के उपयोग के लिए की जाने वाली बात जानकर इतना विचलित हो जाता है कि वो खुद सेनेटरी पैट बनाने की ठान लेता है कहानी सोलह साल पहले की है जब अपर क्लास की महिलाएं भी टेलीविजन पर पार्ड का विज्ञापन आने पर इधर उधर देखा करती थी और पुरुष बातों में लग जाया करते थे उस दौर में अरुणाचलम गुरुगंथनम की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पार्डमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मिंट्रोल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार को गायत्री ने राधिका आप्टे से शादी करने के बाद पता चलता है कि महावारी के दौरान उसकी पत्नी पाँच दिनों तक न केवल घर के बाहर रहती है बल्कि साफ सफाई की जगह गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है वह उसकी समस्याओं को खत्म करने के लिए खोज करना शुरू करता है और सैनिटरी पैड लेकर आता है राधिका आप्टे महंगा पैड देखकर बौखला जाती है और इसे औरत के लिए शर्म की बात कहकर मानती है लक्ष्मी को डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों में महिलाएं गंदे कपड़े राख छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा बीमारियों और खतरनाक रोगों की शिकार होती हैं। कई महिलाएं तो बांझ तक हो जाती हैं। फिर वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के साथ साथ समाज से भी दुदकारा जाता है गाँव वाले और समाज वाले उसे एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सैनिटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एमबीए स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है समाज को अलग हटकर फिल्म देने वाले आर बल्की ने महिलाओं के मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू है। है हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए यह आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर बाल भावनाओं में बहते नजर आए हैं एक बात जो फिल्म देखने के दौरान समझ नहीं आती कि बल्कि ने फिल्म के लिए मध्य प्रदेश को क्यों चुना है अगर वो साउथ के बैकग्राउंड पर भी बनाई जाती तो उसका मर्म उतना ही रहता फिल्म में सोनम कपूर और राधिका आप्टे की एक्टिंग भी बहुत रियल है अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू हैं उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है अमित त्रिवेदी के संगीत में पैडमैन पैडमैन हो बहू आज से मेरा हो गए जैसे गाने फिल्म की रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे सीनेटरी और पेड और पीरियड जैसे मुद्दे पर तो लोग बात तक नहीं करना चाहते अब तक हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक किसी भी बड़े स्टार ने इस विषय पर फिल्म बनाने की बात सोची तक नहीं लेकिन ये हिम्मत अक्षय कुमार ने दिखाई एक बड़े स्टार के लिए ऐसा विषय चुनना बहुत मुश्किल है जिसका नाम लेते ही लोग नज़रें चुराने लगते हैं जब लोग देखेंगे और सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे लेकिन इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार अपनी बात दर्शकों तक आसान भाषा में पहुँचाने में कामयाब रहे हैं पिछले साल इसी विषय पर फुल्लू फिल्म आई थी लेकिन शायद ही आपने उसके बारे में सुना भी होगा पैडमैन आने से पहले इसे लेकर दो डर थे पहला कि कहीं ये बहुत फिल्मी ना हो जाए और दूसरा कि कहीं इसे डॉक्यूमेंट्री जैसी ना बना दे लेकिन फिल्म देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये फिल्म गेम चेंजर भी साबित होने वाली है क्योंकि इसके बाद पीरियड और सैनेटरी पैड जैसे शब्दों को लेकर लोगों की राय बदलने वाली है ये फिल्म तमिलनाडु के रहने वाले गुरु गुरुगथनम के ऊपर बनी है जिन्होंने सनेटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था इनकी कहानी को अक्षय कुमार के पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब में लिखी इसके बाद इस पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें राजी किया ये फिल्म मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड में बनी है इसमें साल 2001 के दौरान की कहानी दिखाई गई है लक्ष्मीकांत चौहान ने अक्षय कुमार अपनी पत्नी से बेअनतहा मोहब्बत करता है लोग प्यार से से लक्ष्मी बुलाते हैं जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी गायत्री यानी राधिका आपटे अपने पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है तब वह इस बात को लेकर परेशान हो जाता है गंदगी से कई बड़ी बीमारियाँ फैलती हैं और उसे इस बात की फिक्र है कि गायत्री को कुछ हो ना जाए फिर लक्ष्मी गायत्री को सैनिटरी पैड लाकर देता है लेकिन कीमत देकर पत्नी इसे इस्तेमाल करने से मना कर देती है इसके बाद लक्ष्मी को आइडिया आता है कि इसे कम लागत में ही बनाया जा सकता है बार बार कोशिश करने पर भी वो ऐसा पैड नहीं बना पाता जैसा कंपनियां बनाती हैं फिर वह सैनिटरी पैड की मशीन बनाने की ठान लेता है लेकिन इसके लिए उसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है पत्नी माँ बहन और समाज का हर कोई उसके अस्तित्व को ही नकार देता है लोगों को लक्ष्मी महावारी की तरह ही गंदगी लगने लगता है आईआईटी से आविष्कार के लिए अवार्ड जीतने पर लोग उसकी तस्वीर देखकर खुश तो होते हैं लेकिन अगले ही पल जब देखते हैं कि यह सम्मान पैड के लिए मिला है तब उसे दुदकारते भी हैं और आनंद भरी नजरों से देखते हैं लेकिन वो हौसला नहीं हारता और लगातार डटा रहता है इसके बाद अचानक उसकी जिंदगी में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है और उसकी प्रेरणा बन जाती है पैड के इस्तेमाल जैसे जिस छोटी सी बात को लक्ष्मी औरतों को नहीं समझा पाता परी चुटकियों में उसे कर देती है और फिर जो सिलसिला चलता है वो थमने का नाम ही नहीं लेता लेकिन अब भी उसका परिवार उसे गलत ही मानता है उसे यू यानी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर लक्ष्मी जो बोलता है वो बातें सुनने वालों के दिल में उतर जाती हैं लक्ष्मी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है जब आपकी माँ बहन और बेटी मजबूत होती है तब देश मजबूत होता है ये एक लाइन बहुत बड़ा संदेश देती है हमारी सोसाइटी में आज भी पीरियड के दौरान महिलाओं को जिस हालात से गुजरना पड़ता है वो किसी से छिपा नहीं है पीरियड आने पर घर के किसी कोने में पड़े रहना अलग बिस्तर पर सोना पति को ना छूना और खाना न बनाना बड़ों को खाना पानी न देना इस तरह के जो भ्रम है ये हु वही दिखाती हैं जो फिर बताती हैं कि अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है अक्षय कुमार ने पैडमैन की भूमिका को बहुत ही सहजता से निभाया है इस रोल को जीवंत करने के लिए वह फिल्म में पैंटी और पैड तक पहन लेते हैं जब कोई उनकी बात नहीं समझता तब उनके चेहरे पर मजबूरी दिखाई देती है उन्हें देखकर कर कहा जा सकता है कि इस रोल को उनसे बेहतर शायद ही कोई निभा सकता था ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस तरह का चुनौतीपूर्ण रोल करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है पर्दे पर ज्यादातर एक्टर्स एक्शन और रोमांस ही करना चाहते हैं कोई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर फिल्म नहीं बनाना चाहता क्योंकि उनकी छवि का सवाल होता है लेकिन ये फिल्म करके अक्षय कुमार हीरो से सुपर हीरो बन गए हैं इससे पहले भी उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा को चुना और लोगों ने उसे देखा भी इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार ने बिना कुछ कहे ही बॉलीवुड सुपरस्टार्स को ये संदेश भी दिया है कि वास्तविक मुद्दों पर भी इंटरटेनिंग फिल्में बनाई जा सकती हैं साथ ही अब स्टारडम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप दर्शकों को कुछ नया दें और एक्सपेरिमेंट करते रहें लक्ष्मी जो कुछ भी है वो गायत्री यानी राधिका आप्टे की वजह से है इससे पहले राधिका फर्स्ट में ग्रामीण महिला की भूमिका में दिख चुकी हैं और उन्होंने अपनी भूमिका से इस फिल्म में जान डाल दी है वही सोनम कपूर के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट है इसमें आंधी फिल्म में राधिका हैं और बाकी में सोनम और दोनों ने ही अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म के डायरेक्टर आर बल्की हैं जो अपनी हर फिल्म में दर्शकों के सामने कुछ नया परोसते हैं टीवी पर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले सीनेटरी पैड के जैसे दाग अच्छे हैं वॉक एंड टाग और जागो रे जैसे एड्स के आइडियाज उन्हीं के हैं इसके बाद फिल्मों की बात करें तो चीनी कम पा समिता एंड का और अप पैड अगर आपने उनकी ये फिल्में देखी हैं तो जरूर समझ जाएंगे कि कुछ नया करना ही उनका जुनून है और इस बार उन्होंने बिना कुछ घुमाए फिराए बहुत सटीक तरीके से अपनी बात कह दी है सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को उन्होंने पर्दे पर इस तरीके से उकेरा है कि चाहे स्कूली लड़कियां हों गांव की औरतें हों या फिर पुरुष हो हर कोई इसे चाव से देखेगा और समझेगा भी फिल्म की कहानी भी बल्कि ने ही लिखी है वो यहाँ भटके नहीं हैं दरअसल सैनिटरी पैड को केंद्र में रखकर उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं सोनम कपूर का एक डायलॉग है तुम गांव हो मैं शहर इन्हें तो आज तक डिजिटल इंडिया भी नहीं जोड़ पाया ये सीन आता है और निकल जाता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत को बस एक डायलॉग में बया कर जाता है इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें कई सारे सीन सरकारी विज्ञापन जैसे हो सकता है कि इसलिए भी किया गया हो ताकि कहानी ज़्यादा फिल्मी ना हो जाए लेकिन ये बातें खटकती हैं इसमें सैनिटरी पैड के साथ साथ महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दिया गया है ऐसे को बिल्कुल सरकारी विज्ञापनों के जैसे ही फिल्म दिया गया है महिलाओं का बैंक जाना लोन लेना चुका देना इत्यादि हालांकि इसे भी पैडमैन की कहानी के साथ जोड़कर ही दिखाया गया है इतना ही नहीं जब फिल्म शुरू होती है तो कुछ देर तक लगातार ऐसा लगता है जिसे देखने वाला कोई विज्ञापन देख रहा हो करीब आधे घंटे बाद फिल्म रफ्तार पकड़ती है और फिर कहीं भी ध्यान भटकने नहीं देती कुछ डायलॉग सोचने पर मजबूर करते हैं फिल्म में एक सीन है जो उन लोगों को जरूर वास्तविक लगेगा जिन्होंने कभी पैड खरीदा हो लक्ष्मी जब पैड खरीदने जाता है तो दुकानदार न्यूज़पेपर में लपेटकर कर पैड काउंटर के नीचे से थमा देता है तब पैडमैन पूछता है चरस गांजा दे रहे हो क्या सीन तो खत्म हो जाता है लेकिन सवाल बना रहता है उम्मीद है कि फिल्म देखने के बाद न पैड मांगने वाला शर्माएगा और न ही देने वाला इस फिल्म की शुरुआत ही आज से मेरी गाने से हुई है बिना समय गवाए एक गाने में ही शादी प्यार इश्क और ग्रामीण गायत्री की बाडिंग को दिखा दिया गया है फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और गीत कौशर मुनीर ने लिखे हैं सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं आज से मेरी गाना बहुत ही रोमांटिक है और पहले ही पॉपुलर हो चुका है हु बहु गाना भी लोग अपने ही खूब देख चुके हैं वो बहु गाना भी लोग पहले भी खूब देख चुके हैं पैडमैन की बेचैनी को दिखाने के लिए साले सपने गाने को रखा गया है जो शटीक लगता है ये फिल्म हर किसी को इसलिए देखनी चाहिए ताकि वो आसानी से इसे समझ सके पीरियड औरतों की बीमारी नहीं है हाँ अगर उसे लेकर सावधान नहीं रहे तो बीमारी जरूर हो सकती है घर हो परिवार हो या फिर स्कूल इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए पीरियड्स को लेकर न शर्माने की जरूरत है और न ही छिपाने वाली कोई बात आपको जानना चाहिए कि पंद्रह से चौबीस साल की उम्र की लड़कियों में से बयालीस फीसदी ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं बाकी बासठ फीसदी कपड़े पत्ते या फिर राख का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें कई बड़ी बीमारियां होती हैं ये आंकड़े कुछ समय पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जारी किए थे ये फिल्म आपको यही समझाने में मदद करेंगी कि यह शर्माने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का मौका है सोच बदलेगी तभी हालात बदलेंगे तो इस वीकेंड आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म जरूर देखें पैडमैन फिल्म में अक्षय कुमार ने एक बार फिर कुछ वैसा ही करने की कोशिश की थी जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्म टाइलेट एक प्रेम कथा में किया था फिल्म में अक्षय अपने सुपरस्टार वाले अंदाज में एक सामाजिक समस्या सुलझाने की कोशिश करते नजर आते हैं यह फिल्म अरुणाचलम गुरुगथनम के जीवन पर आधारित है उन्होंने महिलाओं की सैनिटरी पैड की मुश्किल को हल करने के लिए पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था अक्षय फिल्म में उनका ही रोल कर रहे हैं फिल्म में दिखाया गया है कि गाँव में शर्म और लाज का घूंघट ओढ़े महिलाओं की जिंदगी कैसी है उस घूंघट के पीछे छिपी महिलाओं की गंभीर परेशानियाँ क्या हैं ए पैडमैन यानी कि लक्ष्मीकांत चौहान उन परेशानियों को दूर करने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत करता है बल्कि समाज की छोटी सोच से भी लड़ता है पैडमैन अपनी पत्नी गायत्री को ही इस परेशानी से जूझते हुए देखता है और उसकी मुश्किलों को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ता है इतना ही नहीं इस दौरान उसके सामने कई रुकावटें आती हैं लेकिन पैडमैन हार नहीं मानता इस दौरान उसके बुलंद इरादे उसे विदेश में सेमिनार तक ले जाते हैं जहाँ वह अपने, अपने गांव अपने परिवार और समाज के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार इस बार एक्टिंग के मामले में जरा कमजोर लगे पैडमैन के रोल में अक्षय कुमार बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं वो फिल्म में वैसा सब कुछ करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी डायरेक्टर आर बल्कि इस फिल्म में राधिका आप्टे पैडमैन की पत्नी का किरदार निभा रही हैं और अपने छोटे से रोल में ही वो काफी असर डालती हैं दूसरी तरफ तो पैडमैन के इस मिशन में उसका साथ देने वाली रिया का रोल भी कर रही सोनम कपूर ने भी अच्छा काम किया है वो फिल्म में खूबसूरत लगी है और फिल्म का ग्लैमर बढ़ाती है सोनम फिल्म में एक सोशल एक्टिंग की भूमिका में है फिल्म कई जगह पर कुछ ज़्यादा ही नाटकी होती नजर आती है जो कुछ अखरता है फिल्म में किरदारों को मध्य प्रदेश का दिखाया गया है जबकि उनके कई रीति रिवाज साउथ के लगते हैं जैसे पीरियड शुरू होने पर किया जाने वाला खास आयोजन और एक कपड़ा बिछाकर उस पर थाली रखकर खाना खाना मीका का गाया सुपरहीरो और अरिजीत का गाया आज से तेरी संग फिल्म देखने के बाद भी देर तक याद रह जाते हैं कुल मिलाकर यह फिल्म महावारी के दिनों में महिलाओं को स्वच्छ रहने का संवेद देती है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड क्या मायने रखता है और इन्हें इसकी क्या जरूरत है इस फिल्म के बारे में जागरूक करती है वह अपनी पत्नी की औरतों वाली बात यानी मैंट्रोअल हाइजीन के मुद्दे को लेकर इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि उस समस्या का निवारण करने के लिए खुद सैनिटरी पैड बनाने की ठान लेता है मगर आज जिस दौर में यह निर्णय लेता है वह आए करीब 16 साल पहले यानी 2001 हज़ार एक की बात जब टीवी पर किसी सैनिटरी पैड के विज्ञापन के आने पर या तो चैनल बदल दिया जाता था या पूछे जाने पर उसे साबुन या किसी और एड का नाम दिया जाता था ग्रामीण इलाकों में तो इसे गंदा और अपवित्र मानकर इसके बारे में बात भी करना पाप समझा जाता था उस प्रवेश की अरुणाचलम गुरुगंथनम की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पार्टमैन के जरिए निर्देशक आर बल्की और अक्षय कुमार ने मेस्ट्रोअल हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की दमदार पहल की है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार को गायत्री यानी राधिका आपटे से शादी करने के बाद पता चलता है कि महावारी के दौरान उसकी पत्नी न केवल गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है बल्कि उसे अछूत करने की तरह पाँच दिन घर से बाहर भी रहना पड़ता है उसे जब डॉक्टर से पता चलता है कि उन दिनों महिलाएं गंदे कपड़े राख छाल आदि का इस्तेमाल करके कई जानलेवा और खतरनाक रोगों को दावत देती हैं तो वह खुद सैनिटरी पैड बनाने की कवायद में जुट जाता है इस सिलसिले में उसे पहले अपनी पत्नी बहन माँ के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और फिर गाँव वाले और समाज उन्हें एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं मगर जितना वह जलील होता जाता है उतनी ही उसकी सैनिटरी पैड बनाने की जिद पक्की होती जाती है परिवार उसे छोड़ देता है मगर वह अपनी धुन नहीं छोड़ता और आगे सफर में उसकी जिद को सच में बदलने के लिए दिल्ली की एमबीए स्टूडेंट परी यानी सोनम कपूर उसका साथ देती है चीनी कम समिताभ और की एंडका जैसे लीक से हटकर फिल्में परोसने वाले निर्देशक आर बल्की ने पूरी कोशिश की है कि वह मिस्ट्रोल हाइजीन के मुद्दे को हर तरह से भुना ले इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितने भी टैबू हैं उनसे पार पाने के लिए आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्म है मगर कई जगहों पर आर बल्की भावनाओं में बहकर फिल्म को उपदेशात्मक बना बैठे हैं सैनिटरी पैड को लेकर फैलाई जाने वाली जागरूकता की कहानी कई जगहों पर खिंची हुई लगती है हालांकि बल्कि ने उसे चुटेले संवादों और लाइट कामिक दृश्यों के बलबूते पर संतुलित करने की कोशिश जरूर की है फिल्म का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना तो में ज्यादा मजबूत है बल्कि ने दक्षिण के बजाय मध्य प्रदेश का बैकड्रॉप रखा जो कहानी को दिलचस्प बनाता है अक्षय कुमार फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है उन्होंने पैडमैन के किरदार के हर रंग को दिल से जिया है एक अदाकार के रूप में वह फिल्म में हर तरह से स्वच्छंद नजर आते हैं और अपने रोल में दर्शकों को निश्चिंत कर ले जाते हैं कि परिवार और समाज द्वारा हीनता का सरकार बनाए जाने के बावजूद वह सैनिटरी पैड क्यों बनाना चाहते हैं राधिका आप्टे आज के दौर की नेचुरल अभिनेत्रियों में से एक हैं और उन्होंने अपने रोल को सहजता से अंजाम दिया है परी के रूप में सनम कपूर कहानी ही नहीं बल्कि फिल्म में भी राहत का काम करती हैं फिल्म की सपोर्टिंग कार्ड भी मजबूत है फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री पर भाव छोड़ जाती है अमित त्रिवेदी के संगीत में पैडमैन बहु आज से मेरा हो गया। जिसे गाने फिल्म की रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे अक्षय कुमार की एक्टिंग के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है इसके साथ ही अगर आप इन खास मुद्दों पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप पैडमैन को जरूर देखें महिलाओं में माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका भारतीय समाज में बहुत बड़ा हवा बनाकर रखा गया है इस बारे में बात करते हुए लोग असहज हो जाते हैं महावारी के दिनों में बयासी प्रतिशत महिलाएँ गंदे कपड़े राख और पत्तों का इस्तेमाल करती हैं उन्हें कोई छूता नहीं है घर या रसोई से उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है सभी उसे हे दृष्टि से देखते हैं मानो उसने अपराध कर दिया हो गरीबी और अशिक्षा इसका मूल कारण है इन कठिन दिनों में सैनिटरी पैड्स के उपयोग से कई बीमारियों से बचा जा सकता है लेकिन भारत की ज्यादातर महिलाओं ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि इस देश में मात्र अठारह प्रतिशत इसका इस्तेमाल करती हैं कुछ करना चाहती हैं लेकिन गरीबी उनके हाथ रोक देती है क्योंकि इसका उत्पादन करने वाली कंपनियां महंगे दामों में इन्हें बेचती हैं आश्चर्य की बात है कि सरकार का भी अभी तक इस ओर ध्यान नहीं गया है अरुणाचनम गुर्गा नामक शख्स से यह देखा नहीं गया कि उसकी पत्नी पैड्स के बजाय घटिया तरीके अजमाए और बीमारियों को आमंत्रित करे पैसा नहीं था तो खुद ही पैड बनाने की सोची आठवीं पास इस इंसान ने बड़े इंजीनियरों को भी हैरत में डाल दिया जब उन्होंने पैड बनाने की मशीन का इजाद किया उन्होंने मात्र दो रुपये की लागत में पैड उपलब्ध कराए और लाखों महिलाओं को फायदा पहुंचाया। इन्हीं अरुणाचल का जिक्र ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब द लीजेंट ऑफ लक्ष्मी प्रसाद में किया है ट्विंकल यही नहीं रुकी उन्होंने अरुणाचलम पर पैड मैन नामक एक फिल्म भी बना डाली जिसमें अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया है यह फिल्म अरुणाचलम के जीवन से प्रेरित है क्योंकि इस पर फिल्म बनाना आसान बात नहीं है इसलिए लेखक और निर्देशक ने अपनी कल्पना के रेसे भी कहानी में जोड़े हैं इस फिल्म में महेश्वर में रहने वाले लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार की शादी होती है जब वह पत्नी को माहवारी के दिनों में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देखता है तो सिहर जाता है पैड्स खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है एक फैक्ट्री में काम करने वाला लक्ष्मी दिमाग से तेज है उसके दिमाग में आइडिया की कमी नहीं है चीज़ों को बेहतर बनाकर ज़िंदगी को वह आसान बनाता है उसके पत्नी हनुमान जी के नारियल खाने और प्रसाद लेने से चकित है लेकिन वह जानता है कि हनुमान जी के अंदर एक मशीन काम कर रही है लक्ष्मीकांत पैड बनाने की सोचता है कुछ प्रयोग करता है जो असफल रहते हैं महिलाओं रिश्तेदारों गाँव वालों की बातें सुननी पड़ती हैं यहाँ तक कि उसकी माँ बहनें और पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती हैं लेकिन वह पैड बनाने की मशीन बनाने के धुन में लगा रहता है और कामयाब होता है उसकी इस यात्रा को फिल्म में बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है फिल्म को दो भागों में बांटा गया है पहले भाग में इस मुद्दे पर लोगों की सोच को बताया गया है लक्ष्मी जब पर्स बनाने का काम शुरू करता है तो उसे ढीले नाड़े का आदमी कहकर ताने मारे जाते हैं उसे गाँव तक छोड़ना पड़ता है दूसरे भाग में पर्स बनाने की मशीन को लेकर लक्ष्मीकांत के संघर्ष को दर्शाया गया है कि कैसे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होता है लक्ष्मी के प्रयोगों को लेकर कई मजेदार सीन रचे गए हैं वह पैंटी खरीदता है पैड बनाता है खुद पैड लगाता है प्रयोग के लिए बकरे का खून उसमें डालता है उसकी पैंट पर लगे खून को लोग देख कर घबरा जाते हैं पैड के प्रयोग के लिए वह मारा मारा घूमता है लेकिन उसे फीडबैक ही नहीं मिलता कि वह सही कर रहा है या गलत दुकानदार पैड को टेबल के नीचे से देता है मानो चरस गांजा दे रहा हो लक्ष्मी और उसके पत्नी का रोमांस भी दिल छू लेने वाला है दूसरे हाफ में परी यानी सोनम कपूर की एंट्री होती है परी उसकी पहली ग्राहक रहती है परी के मुंह से लक्ष्मी का यह सुनना कि उसके द्वारा बनाया गया पैड भी अन्य पैड्स की तरह ही है वाला सीन बेहतरीन है इसमें अक्षय कुमार के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं परी और उसके पिता की बॉन्डिंग भी प्रभावित करती है पिता बच्चे को माँ की तरह ही पाले तो ही मजा है वाली बातें दिखाने में बल्कि माहिर हैं निर्देशक रूप में बल्की का काम शानदार है एक ऐसा विषय जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते उस पर ऐसी फिल्म बनाना जो लोग पसंद करे टेढ़ा काम है लेकिन बल्कि ने यह कर दिखाया वही विषय की गहराई में गए दर्शकों को बांधने के लिए मनोरंजन सीन बनाए और अपनी बात दर्शकों के सामने रखने में सफल रहे बल्कि की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने फिल्म को न तो डॉक्यूमेंट्री बनने दी और न ही सरकारी भोंपू पहले हम में जरूर कुछ सीन अत नाटकीय हो गए जैसे पंचायत पूरे गांव के सामने लक्ष्मीकांत को फटकार लगाती है इस तरह के दृश्यों से बचा जा सकता था जिसमें फिल्म की लंबाई भी कम हो जाती है लक्ष्मी और परी का एक दूसरे की ओर आकर्षित होना भी थोड़ा अखरता है लेकिन अरुणाचलम ने स्वीकारा है कि वह अपनी अंग्रेजी पढ़ाने वाली टीचर की ओर आकर्षित हो गए थे और वही रिश्ते निर्देशक ने यहाँ पर दिखाया है अभिनय के मामले में अक्षय कुमार के करियर की यह सबश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है लक्ष्मीकांत को उन्होंने इस तरह से आत्मसात किया है कि फिल्म शुरू होते ही हम भूल जाते हैं कि ये अक्षय कुमार हैं पूरी फिल्म में मजबूती से कैरेक्टर को पकड़ रखा है अपने अंदर के अच्छे इंसान को उन्होंने अभिनय के माध्यम से झलकाया है फिल्म के अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने वाले सीन में उनका अभिनय देखने लायक है अपनी स्टार वाली छवि को त्याग कर एक आम आदमी बनने का जोखिम भी उन्होंने उठाया है राधिका आपटे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्होंने ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला राधिका आपटे उम्दा अभिनेत्री हैं पैडमैन में उन्हें ग्रामीण स्त्री का कैरेक्टर मिला जिसे लोक लाज का हमेशा भय सताता रहता है इस किरदार को उन्होंने बाखूबी जिया है सोनम कपूर फिल्म को अलग ऊंचाइयों पर ले जाती हैं परी के रूप में उनका अभिनय देखने लायक है छोटी छोटी भूमिकाओं में कई कलाकार हैं और सभी का अभिनय उल्लेखनीय है पी सी श्री राम की सिनेमाटोग्राफी शानदार है उनके एरियल शार्ट्स देखने लायक हैं गाने थीम के अनुरूप हैं और लाजनम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो सस्ते पैट्स बनाती है पैडमैन की टीम इसलिए बधाई के पात्र है कि इस कठिन विषय पर फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है अब सरकारों की बारी है वो उन बयासी प्रतिशत महिलाओं के बारे में सोचे जो पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती पैडमैन नौ फरवरी 2018 को रिलीज हुई भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे हैं अमिताभ बच्चन ने इसमें विशेष भूमिका निभाई थी यह फिल्म अरुणाचलम गुरु ग्रंथम की वास्तविक जीवनी की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था गुरुनाथनम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सेनेटरी नैपकिन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी उनको इस आविष्कार के लिए पद्म सिरीज से नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना भी इस फिल्म को प्रोड्यूस और निर्देशित कर रही थी ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर के बल्की ने इसके निर्माता थे ट्विंकल खन्ना एस पीई e. फिल्म भारत क्रियार्स मनोरंजन केप ऑफ गुड फिल्म इसके लेखक थे आरबल की स्वानंद यह फिल्म आधारित है द जिनेटरी मैन ऑफ स्कॉटलैंड जो कि ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई थी इसमें वॉइस ओवर किया है अमिताभ बच्चन ने इसमें संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने इसका संपादन किया था चंदन अरोरा ने इसमें स्टूडियोज थे कोलम्बिया पिक्चर्स होप प्रोडक्शंस क्रियार्स मनोरंजन मिसेज फनीबस मूवीज इसके वितरक थे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग